हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं सब? सब बढ़िया है? ऑडियो वीडियो विजिबल है? अगर ऑडियो वीडियो विजिबल है तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये तो आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम कौन सा यूनिट कवर करेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? ऑडियो वीडियो विजिबल है? ठीक है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर लोड बहुत ज्यादा चल रहा है? अब SSC JEE है तो लोड तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तुम भी चाहते हैं कि सर हमें अच्छे से हमें कंटेंट्स दिया जाए और सर जिससे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस बड़ी इजीली बन जाए और हम बहुत ही अच्छे से अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। क्लियर है? तो अभी तक जो हमने कवर किया है, पहले तो हम उस पर एक नजर डालते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। क्लियर है? हम साथ साथ क्या करेंगे, अपने यूनिट्स को कवर करते जाएंगे जिससे क्या होगा कि फाइनली जैसे ही हम अपना रॉ वाटर इंजीनियरिंग खत्म करेंगे तो आपको क्या अंदाजा मिल जाएगा कि सर किस तरह से हम अपना वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करते हैं। तो देखते हैं जरा हम किस तरह से अपना वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करते हैं। पहले हम कहां जाते थे सर? अपने सोर्स से। हम सोर्स से ही स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज करो ये मेरा सोर्स है। ठीक है, सोर्स से हम कहां पानी लिफ्ट कर रहे थे? आपके पंप के थ्रू। पंप के थ्रू और अपनी पाइप के थ्रू हम पानी ले जा रहे थे सर अपने इंटेक स्ट्रक्चर्स में। तो बिल्कुल सर, इंटेक स्ट्रक्चर भी बना दीजिएगा। तो ये बना दिया है सर मैंने इंटेक स्ट्रक्चर्स में। इंटेक स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या करते थे? हम अपने पानी को कलेक्ट करते थे। ठीक है सर, पानी को कलेक्ट करने के बाद हम क्या बताते थे सर? उसकी क्वालिटी का इंडिकेशंस करते थे। ठीक है, पहले क्या किया सर हमने, ये मान लो आपका वाटर बॉडीज है, यहां पे लिख देता हूं। ये क्या सर? आपकी वाटर बॉडीज है। अब जो सर यहाँ पे वाटर बॉडीज हो सकती है, वो आपके पास मैंने बताई दो वाटर बॉडीज हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है स्टूडेंट? वो आपका एक सरफेस सोर्स हो सकता है, दूसरा आपका सब सरफेस सोर्स हो सकता है। कौन सा सर? एक सरफेस सोर्स हो सकता है और दूसरा आपके पास सब सरफेस सोर्स हो सकता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, एक ग्राउंड सोर्स और दूसरा सब अंडरग्राउंड सोर्स। ठीक है, यह यहां से हमने पानी को लिफ्ट किया और लिफ्ट करने के बाद हम कहां ले गए सर? अपने इंटेक स्ट्रक्चर्स में ले गए। और ये क्या है सर मेरा? ये है मेरे पास इंटेक स्ट्रक्चर्स। इंटेक स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या करते हैं सर? हम अपने वाटर्स को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद हमने उसकी क्या की सर? हमने उसकी चेक की क्वालिटी की, पानी कैसा है। ठीक है, क्या की सर हमने? उसकी क्वालिटी को चेक किया। अब जो क्वालिटी को चेक किया तो यहाँ पे मेरे पास क्वालिटी भी कितनी थी सर? तीन टाइप के क्वालिटी चेक की थी। कौन सी? एक फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर जिसको मैं PWQ लिखता हूं, और केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर जिसको मैं CWQ लिखता हूं, और एक साथ मेरे पास बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर जिसको मैं BWK लिखता हूं। ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काफी हेल्प करेगा जब आप JEE बनोगे। जब आप JEE बनते हो तो ये चीजें आपको पहले से आनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी चेक कर लिया है सारी आपने, उसकी एक्सेप्टेबल एंड कॉज फॉर रिजेक्शन वैल्यूज देख लिए। उसके बाद हम कहां जाएंगे सर? यहां पर हम पानी को अपने क्या करेंगे, पंप या पाइप के थ्रू। सपोज करो यहां पे मैं एक पाइप के थ्रू इस पानी को ले जाऊंगा जो ये क्वालिटी चेक की मैंने, वो कहां जाएगा सर? आपका ट्रीटमेंट यूनिट में। तो ये सर हम ले गए थे अपना ट्रीटमेंट यूनिट। तो आज जो आपके ट्रीटमेंट यूनिट कवर हुआ है, पहले हम उन पे पूरे पे नजर डालेंगे। ठीक है, पहला क्या किया होगा सर आपने? स्क्रीनिंग किया होगा। बिल्कुल सर, वैसे एरिएशन की जरूरत नहीं होती है सरफेस वाटर में, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सर स्क्रीनिंग की होगी। स्क्रीनिंग के बाद क्या किया होगा सर आपने? PN प्लेन सेडिमेंटेशन गए, यानी कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। उसके बाद कहां गए सर आप? अपना सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में गए। और थर्ड में क्या किया सर आपने? थर्ड में किया सर आपने फिल्ट्रेशन। ठीक है, हालांकि जो हमारी मेजर इंप्योरिटीज थी वो क्या हो चुकी थी? पूरी तरह से आपके पास रिमूव हो चुकी थी, बट कैसी? अभी भी कोलाइडर्स और जो आपको बैक्टीरिया की फॉर्म में थी तो अभी भी आपके वाटर्स के अंदर प्रेजेंट थी। ठीक है, तो देखिएगा इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या इसमें हमने कहा। ठीक है, जब हम बात करते हैं पहले क्या किया था सर हमने? स्क्रीनिंग की थी सर, स्क्रीनिंग की थी। और स्क्रीनिंग मेरे पास कितनी तरह से थी सर? तीन टाइप की स्क्रीनिंग हमने पढ़ी थी। स्क्रीनिंग के बाद क्या किया था आपने सर? उसका PST किया था, और PST के बाद आपने उसका SST किया था, और SST के बाद आपने क्या किया था सर? उसका फिल्ट्रेशन किया था। क्या किया था सर? उसका फिल्ट्रेशन किया था। ठीक है, और अभी भी आपका वाटर्स अगर प्योर नहीं है तो इसके बाद भी हम एक और ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे, जो आज हम करेंगे, दैट इज डिसइंफेक्शन। अब क्या रहेगा आपका सर? डिसइंफेक्शन रहेगा। तो इसको भी मैं लिख देता हूं, दैट इज डिसइंफेक्शन। तो इसको फिल्ट्रेशन को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, फिल्टर कर देते हैं।
पूरा नहीं लिखते हैं, फिल्टर कर देते हैं, और फिल्टर के बाद यहाँ पे क्या आ गया सर आपका, डिसइंफेक्शन। ठीक है, कुछ इसी तरह से था, बिल्कुल सही। जब हमने बात की थी सर स्क्रीनिंग की, तो स्क्रीनिंग में क्या किया था आपने, फ्लोटिंग पार्टिकल्स को रिमूव किया था सर। तो आप लिख सकते हैं यहां पर टू रिमूव दी फ्लोटिंग पार्टिकल्स, टू रिमूव दी फ्लोटिंग पार्टिकल्स को क्या किया था सर आपने, रिमूव किया था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आता है आपका, सेकेंड स्टेज में आपने क्या किया था सर, सेकेंड स्टेज आता है आपका सर पीएसटी। पीएसटी में क्या किया था स्टूडेंट आपने, इसमें आपने रिमूव किया था सस्पेंडेड इंप्योरिटीज। क्या किया था, टू रिमूव दी सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, सस्पेंडेड इंप्योरिटीज। ठीक है, ये बात आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, सस्पेंडेड इंप्योरिटीज किया था। एसएसटी में क्या किया था आपने, इसमें सर आपने कुछ फाइनर इंप्योरिटीज को रिमूव किया था। क्या किया था सर, फाइनर इंप्योरिटीज को रिमूव किया था। ठीक है, कुछ इसी तरह से। अब आता है सर फिल्टर, और फिल्टर से क्या किया था आपने, वेरी फाइन एंड कोलाइडल पार्टिकल्स। क्या किया था सर, वेरी फाइन एंड कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स किया था। ठीक है, बट आज क्या करेंगे, आज आप करेंगे सर डिसइंफेक्शन। और डिसइंफेक्शन क्या होता है, जो आपके पैथोजेंस होते हैं उनको किल करते हैं। यहां पे आएगा डिसइंफेक्शन मतलब टू किल द पैथोजेंस, टू किल द पैथोजेंस। ठीक है, आपकी नसें खुल रही होंगी क्योंकि ये एनवायरमेंटल है, यहाँ पे कितना पढ़ना पड़ता ये आप देख ही रहे होंगे। तो देखिएगा, ये इस तरह से हमने अपना ट्रीटमेंट यूनिट बनाना सीख लिया कि किस तरह से हम किसी चीज का प्लान करते हैं। हम सोर्स से पानी को लिफ्ट ले गए इंटेक स्ट्रक्चर में, इंटेक स्ट्रक्चर के बाद हमने उसकी क्वालिटी को चेक किया, चेक करने के बाद सर हम पाइप के थ्रू कहां ले गए पानी, अपने ट्रीटमेंट यूनिट में ले गए। ट्रीटमेंट यूनिट में हमने सबसे पहले क्या किया, स्क्रीनिंग किया। स्क्रीनिंग में क्या किया सर हमने, जितने भी फ्लोटिंग पार्टिकल्स थे सर उनको रिमूव किया। उसके बाद कहां गए सर हम अपने पीएसटी में। पीएसटी क्या आपके पास सर, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में उन पार्टिकल्स को कैप्चर किया जाता है जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एक से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आपने कैसे पार्टिकल्स कैप्चर किए, जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एक से ज्यादा थी। और जब उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एक से ज्यादा थी तो ऑब्वियसली बात है वाटर की ग्रेविटी से कम है, तो क्या हो जाएंगे, इजिली सेटल डाउन हो जाएंगे। उसके बाद सर हम गए एसएसटी में। एसएसटी में क्या किया आपने सर, कुछ कोगुलेंट एड किया। क्यों किया, क्योंकि जो अभी भी आपके वाटर के अंदर ऐसी इंप्योरिटीज हो सकती है जो हमें नहीं दिख रही है, बिल्कुल फाइनर है, तो उन फाइनर इंप्योरिटीज का एग्लोमरिएशन किया हमने। एग्लोमरिएशन मतलब छोटे को बड़ा बनाया। ठीक है, जो कहां किया हमने सर, एसएसटी में। और यहां पे कौन से पार्टिकल्स कैप्चर किया आपने, जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एक से ज्यादा थी। कोगुलेंट ऐड किया तो उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंप्रूव हो गई और सर वो इजिली सेटल डाउन हो गए। बट अभी भी ऐसे वेरी वेरी फाइन पार्टिकल्स और कोलाइडर पार्टिकल्स अभी भी आपके वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो फिर क्या किया आपने सर, फिल्ट्रेशन प्रोसेस किया। फिल्टर में आपने तरह तरह के फिल्टर की स्टडी की, आज ही के लेक्चर्स में आपने देखा होगा। तो जो आपके पास क्या किया उन्होंने, वेरी फाइन और कोलाइडर पार्टिकल्स को रिमूव किया। क्लियर है, बट अभी भी ऐसा है कि ऐसे पैथोजेंस वहां पे पाए गए हैं जो जिनका पानी का पीने से हम क्या हो सकती है, हमारे मतलब हमारी हेल्थ बिगड़ सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी आपके वाटर्स के अंदर क्या प्रेजेंट है सर, कुछ पैथोजेंस प्रेजेंट है। तो उन पैथोजन को किल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सर, उनका डिसइंफेक्शन करना पड़ता है। तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने पूरी डिटेल एंड डेप्थ में स्टडी किया है। तो बात करते हैं डिसइंफेक्शन की, तो डिसइंफेक्शन को भी हम इसी तरह से डेप्थ में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है सर डिसइंफेक्शन और डिसइंफेक्टेंट। देखिएगा, दो टर्म्स है यहाँ पे, मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी। एक होता है सर आपके पास डिसइंफेक्शन, एक होता है सर डिसइंफेक्शन और एक होता है सर डिसइंफेक्टेंट, इनफेक्टेंट। ठीक है, एक तो ये है, ये आपके इंजीनियरिंग की टर्म्स है। एक मैंने आपको क्या बताया था, एक होता है सर कोगुलेंट, एक होता है सर कोगुलेंट और एक होता है सर कोगुलेशन, एक होता है कोगुलेशन। ये बहुत छोटे छोटे सवाल है जो आपके इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर डिसइंफेक्टेंट क्या है,
डिसइंफेक्टेंट एक प्रकार का केमिकल है, जब इस केमिकल को हम अपने वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो एक प्रोसेस बनता है, जिस प्रोसेस का नाम दिया जाता है सर डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जो किल करता है आपके हार्मफुल बैक्टीरिया। तो कैसे होंगे वो, तो उसके लिए हम मेन केमिकल्स एड करते हैं, जिन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर सर डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। उसी तरह से आता है सर एक कोगुलेंट होता है और एक कोगुलेशन होता है। हम क्या करते हैं, कोगुलेंट किसकी फॉर्म में होता है सर, ये आपके केमिकल्स की फॉर्म में होता है। इस केमिकल को जब हम वाटर्स की में ऐड करते हैं तो उसके प्रोसेस को बोला जाता है सर कोगुलेशन। और ये कोगुलेंट क्या करता है, आपके पानी के अंदर एक जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, और जो जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट होते हैं वो आपकी इंप्योरिटीज के साथ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो आपकी इंप्योरिटीज के साथ जब वो अट्रैक्ट होते हैं ना डियर, तो क्या होता है उनका साइज और उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि ये किसका काम करते हैं, जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट उनके लिए फूड का काम करते हैं, और जब फूड का काम करते हैं तो उनका वॉल्यूम बढ़ता है, और जब उनका वॉल्यूम बढ़ता है तो सर वो इजिली क्या हो जाते हैं, आपके सेटल डाउन हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना कि डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्टेंट, कोगुलेंट एंड कोगुलेशन, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमने कहा कि सर डिसइंफेक्शन क्या होता है, तो डिसइंफेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है किलिंग द पैथोजोनिक बैक्टीरिया की, जो कि आपके हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। तो अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि सर इस पैथोजोनिक का मतलब क्या है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में मैं आपको बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशंस बताई थी। तो मैंने आपको बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन शेप के आधार पर भी बताई थी, नेचर के आधार पर भी बताई थी, और ऑक्सीजन के आधार पर भी बताई थी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, नेचर के आधार पर, तो नेचर के आधार पर हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। कौन कौन से सर, एक हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उसको अंडरलाइन करते जाओ, एक ये सर हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं आपके पास, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, और दूसरे सर हमारे पास हार्मलेस बैक्टीरिया होते हैं। सवाल ये है कि सर हार्मफुल बैक्टीरिया कौन से होते हैं, सर इन हार्मफुल बैक्टीरिया को हम पैथोजोनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। पैथोजोनिक मतलब डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, कि अगर ये बैक्टीरिया आपके वॉटर के अंदर प्रेजेंट हुए तो ये पानी क्या होगा, आपका गंदा होगा। बट जब हम हार्मलेस बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इनको हम एज ए नॉन पैथोजोनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। नॉन पैथोजोनिक मतलब नॉट डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, कि आपके पास ये डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया नहीं होते डियर। क्लियर है? तो हमको पैथोजोनिक क्लियर हो गया है। तो उसी तरह से दो टर्म्स आती है आपके पास, एक डिसइंफेक्शन होता है और एक स्टीरियलाइजेशंस होता है। डिसइंफेक्शंस का मतलब क्या होता है, टू किल द पैथोजोनिक बैक्टीरिया, जो आपके हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको किल करता है, तो उसके प्रोसेस को बोला जाता है सर डिसइंफेक्शंस। बट जब हम बात करते हैं स्टीरियलाइजेशंस की, तो स्टीरियलाइजेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें वो पैथोजोनिक बैक्टीरिया हो चाहे आपके पास नॉन पैथोजोनिक बैक्टीरिया हो, दोनों ही तरह के बैक्टीरिया को क्या करता है, स्टीरियल स्टीरियलाइजेशन किल करता है। क्लियर है? अब आते हैं सर इसके कौन कौन से मेथड है डिसइंफेक्शंस के। तो डिसइंफेक्शंस के हमारे पास मेनली दो ही मेथड होते हैं। कौन कौन से, एक सर फिजिकल मेथड होते हैं और एक केमिकल मेथड होते हैं। फिजिकल मेथड कौन से मेथड होते हैं, ऐसे मेथड जिनको हम अपने सेंसेस के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे अपनी आंखों से उनको देख सकते हैं, अपनी नाक से उनको सूंघ सकते हैं, अपनी जीभ से उनको उनका टेस्ट कर सकते हैं, और सर हाथ से उनको हाथ देख सकते हैं कि सर गर्म है या ठंडा है, यानी कि टच कर सकते हैं। क्लियर है? जब फिजिकल मेथड्स की भी बात करते हैं तो यहाँ पे मेनली दो ही मेथड आते हैं, एक होता है आपके पास सिंपल बॉइलिंग और दूसरा होता है यूवी रेडिएशन मेथड। क्लियर है? बट जब हम केमिकल मेथड की बात करते हैं तो केमिकल मेथड्स में भी फर्दर दो मेथड होते हैं, कुछ मेथड आपके पास माइनर होते हैं और कुछ मेथड्स हमारे पास मेजर होते हैं। माइनर मेथड्स में जैसे एक्सेस ऑफ लाइम माइनर मेथड है आपके पास, पोटेशियम परमैंगनेट जिसको आप लाल दवा के नाम से जानते हैं, उसके बाद आपका हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब कौन से आपके हेलोजन ग्रुप्स है। क्लियर है? और उसके बाद मेजर मेथड में हम किसकी बात करते हैं सर, क्लोरीनेशंस की बात करते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब सवाल ये है क्या सर जब हम इन मेथड की स्टडी करते हैं तो क्या आपको इनको चेक नहीं करना होता कि सर आपका डिसइंफेक्टेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज अब हम देखेंगे यहाँ पे जो आपके लिए काफी हेल्प करेगी। क्या है, डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ डिसइंफेक्शंस। डिसइंफेक्शंस की जगह मैं क्या लिख देता हूं, डिसइंफेक्टेंट। Describe the quality of disinfectant.
डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो आप यहाँ पे डिसइंफेक्शन के लिए यानी कि जो पैथोजन बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो दवाई जो केमिकल यूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। जैसे आपने क्या किया था जब हमने वाटर क्वालिटी पैरामीटर डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने बताया कि आपकी क्वालिटी पानी की कैसी होनी चाहिए, ठीक है, तो सब हमने डिस्कस किया। तो यहीं पे होना चाहिए कि सबसे पहले जो भी आप यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट यानी कि जो भी आप केमिकल यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो सर वो सस्ता मिलना चाहिए, ठीक है। तभी आप सोचते होंगे कि हम इंडिया जैसी कंट्री में रह रहे हैं और यहाँ पे क्लोरीनेशन को मेजर पार्ट बोला गया, क्यों, क्योंकि क्लोरीन की जो आपने देखा होगा टेबलेट्स भी आती है और उसको यूज करते हैं किसके लिए, आपके वॉटर्स के लिए, ठीक है। बाकी जो अदर मेथड्स है वो कैसे मेथड है सर, हमारे पास माइनर मेथड है, ठीक है। तो देखिएगा एफिशिएंसी टू किल द पैथोजेनिक बैक्टीरिया और ऐसे डिसइंफेक्टेंट होने चाहिए कि जिनकी बैक्टीरिया को किल करने की क्षमता ज्यादा हो, ठीक है। थर्ड आता है कि डिसइंफेक्टेंट लार्ज कॉन्टेक्ट टाइम, बिल्कुल, और जो भी यहाँ पे आपका डिसइंफेक्टेंट होगा उसका कॉन्टेक्ट टाइम क्या होना चाहिए सर, ज्यादा होना चाहिए। अपने वाटर्स के अंदर जितनी देर तक रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है वहां पे क्या होगा आपका रेजिड्यूल की फॉर्म में चीजें ज्यादा रहेगी। अब जब रेजिड्यूल की फॉर्म में ज्यादा रहेगी तो जो आपका फ्यूचर कंटामिनेशन के जो चांसेस रहते हैं वो क्या हो जाएंगे सर, कम हो जाएंगे, क्लियर है। उसके बाद क्या है कि इट शुड बी इजिली स्टोर्ड और कैसा होना चाहिए डिसइंफेक्ट, ऐसा होना चाहिए जो सर इजिली स्टोर हो जाए, ठीक है, इजिली स्टोर हो जाए और इजिली क्या हो जाए आपका ट्रांसपोर्ट हो जाए। नेक्स्ट है कि इट शुड ऑल्सो रिमूव, ऐसा नहीं है कि सर जो आपका डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए वो आपको सिर्फ बैक्टीरिया को ही किल करे, वो साथ में आपके कलर को भी रिमूव कर सके, टेस्ट को भी रिमूव कर सके और आपके ऑर्डर को भी रिमूव कर सके, यानी कि इस तरह का आप वहां पर केमिकल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं आप डिसइंफेक्टेंट एंड डिसइंफेक्शन यहाँ पे, डिसइंफेक्शन, क्लियर है, इतना हो गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट आता है पहला मेथड जो हम स्टडी कर रहे हैं आपका, ठीक है, फिजिकल मेथड्स के बात करेंगे तो फिजिकल मेथड में आता है सबसे पहले बॉइलिंग ऑफ वाटर। अब जो बॉइलिंग ऑफ वाटर है ये तो सबसे सभी को पता है कि घर कहाँ पे यूज किया जाता है सर, स्मॉल स्केल पे यूज किया जाता है और आपके एमरजेंसी पर्पज के लिए। बट अगर आप यूज अमाउंट का वाटर क्या कर रहे हो, ट्रीटेड कर रहे हो, तो हम बॉइलिंग का यूज नहीं कर सकते। तो देखिएगा कि मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन इन वाटर, बिल्कुल सही, सबसे मोस्ट इफेक्टिव है। सेकंड, बट कैन नॉट बी ट्रीटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, बट ज्यादा अमाउंट में अगर आपका वाटर हो तो उसको ये ट्रीट नहीं कर सकता है। कैन नॉट टेक फ्यूचर पॉसिबल कंटामिनेशन, बिल्कुल सर, ये फ्यूचर का चांसेस भी नहीं कि जो कंटामिनेशन को बचा सके। यूज ओनली फॉर डोमेस्टिक पर्पज एंड एमरजेंसी पर्पज, डोमेस्टिक पर्पज में भी कहा एमरजेंसी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे हॉस्पिटल वगैरह हो गया, ठीक है, तो इमरजेंसी में हम हॉस्पिटल भी लिख सकते हैं, हॉस्पिटल हो गया आपका, डिस्पेंसरी हो गया, तो वहां पे हम इस तरह का यूज कर सकते हैं, क्लियर है। तो यही रखना आपको बॉइलिंग ऑफ वाटर्स में, ज्यादा नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये आपका मोस्ट इफेक्टिव मेथड है डिसइंफेक्शन का, बट कैन नॉट बी यूज अमाउंट ऑफ वाटर ट्रीटेड और ना ही ये फ्यूचर कंटामिनेशन में पॉसिबल है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं सर, इसका यूज इमरजेंसी पर्पज के लिए कर सकते हो, डोमेस्टिक में जैसे आपका हॉस्पिटल हो गया और आपका डिस्पेंसरीज हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ यूवी रेडिएशंस। जब हम ट्रीटमेंट ऑफ यूवी रेडिएशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक नई टर्म देखने को मिलेगी डियर, ठीक है। ये किसको रिमूव करता है, ये प्रोटोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म को रिमूव करता है। कभी कभी क्या होता है कि आपके वाटर के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आ जाता है जो कि आपके वाटर को कंटामिनेट करता है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोटोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म। तो ये क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लाज्मा जो ऑर्गेनिज्म होता है किससे रिमूव किया जाता है, तो सर आपका यूवी रेडिएशन से रिमूव किया जाता है। मैं क्या करूंगा, मैं डेली आपको कम से कम एक क्वेश्चन देता रहूंगा, जो भी पढ़ाऊंगा लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। इसका यूज हम कहां करते हैं सर, आपके स्मॉल स्केल पे करते हैं, ठीक है, और प्राइवेट बिल्डिंग वगैरह में करते हैं। जैसे आप जानते होंगे अंबानी जी है, बड़े बड़े जो लोग है, ठीक है, तो ये उसका यूवी रेडिएशन का यूज कर सकते हैं। इट इज इफेक्टिवली है, बट ये कैसा है सर, कॉस्टली है, हर कोई इसका यूज नहीं कर सकता, क्लियर है। उसके बाद आता है सर केमिकल मेथड्स में, अब हम बात करेंगे माइनर मेथड्स की,
ठीक है, माइनर। अब हम कौन से मेथड की बात कर रहे हैं, केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड में पहले हम माइनर मेथड की स्टडी करेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, मेजर मेथड के बारे में देखेंगे। अगर माइनर मेथड में देखेंगे तो एक्सेस लाइन हो गया, ओजोन हो गया, आपका हैलोजन ग्रुप हो गया, हैलोजन ग्रुप में आपका आयोडीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरिन आ गया, और उसके बाद आ गया पोटासियम परमैंगनेट, जिसको आप लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। तो इनको अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ लाइम। एक्सेस ऑफ लाइम की जब बात आती है, क्या करता है, आपके बैक्टीरिया को किल करता है। ऑब्वियसली बात है भाई, डिसइंफेक्शन है, तो डिसइंफेक्शन का काम क्या है, आपके पैथोजेंस को किल करना, ठीक है, तो इसका भी वही काम है। बट कैन नॉट सेव गार्ड फॉर फ्यूचर पॉल्यूशन। बट क्या है यहाँ पे, नॉट सेव गार्ड है आपका फ्यूचर पॉल्यूशन पॉल्यूशन के लिए, ठीक है। दिस मेथड इज आल्सो, इस मेथड का यूज आप कब करते हैं, जब आपके वाटर का पीएच 9.5 हो और उससे अबव है। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है इसकी, एक्सेस लाइन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है कि आपका तभी काम करता है जब आपके वाटर का पीएच 9.5 हो और उससे अबव हो, क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे रिकार्बोनेशन इज नेसेसरी, और यहाँ पे रिकार्बोनेशन करना पड़ता है। अब सवाल ये भी है कि सर रिकार्बोनेशन क्या होता है, रिकार्बोनेशन होता है एक प्रोसेस होता है जो रिमूव करता है आपका एक्सेस लाइन बिफोर द सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। रिकार्बोनेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो रिमूव करता है आपका एक्सेस लाइम को बिफोर द सप्लाई ऑफ वाटर। कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपका लाइम होता है ये एक्सेस में हो जाता है, जब ये एक्सेस में हो जाता है ना, तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है आपके वाटर के सप्लाई होने से पहले। तो उसी प्रोसेस को क्या बोला गया है, यहाँ पर रिकार्बोनेशन बोला गया है, क्लियर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सर एक्सेस लाइन क्या है। आप इससे पूछ भी सकते हैं कि सर क्या डाउट रहा है इसमें एक्सेस लाइन में, तो पूछिए। क्लियर हुआ, एक्सेस लाइन का मतलब क्लियर हुआ, पैथोजन को क्या करता है, किल करता है सर। और ये कभी काम करेगा जब आपके वाटर का पीएच 9.5 हो और उससे ज्यादा हो, क्लियर है। यहाँ पे रिकार्बोनेशन नेसेसरी होता है। रिकार्बोनेशन क्या, कि जब आपका लाइम एक्सेस में होता है तो उस कार्बन को क्या कर, उस लाइम को क्या करना पड़ता है सर, रिमूव करना पड़ता है बिफोर द सप्लाई ऑफ वाटर। तो दिस प्रोसेस इज रिकार्बोनेशन, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट ओजोन। अगर मैं ओजोन की बात करता हूं, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, O3। अब ये जो O3 आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें सर, ब्रेक हो जाता है आपका नेसेंट ऑक्सीजन प्लस आपका ऑक्सीजन में, ठीक है। O क्या है आपके पास, नेसेंट ऑक्सीजन, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ये क्या होता है, बहुत पावरफुल होता है डियर, ठीक है, एज कंपेयर टू O2। तो अगर हम बात करते हैं ओजोन का पहला ही पॉइंट, तो ये क्या है, मोर पावरफुल डिसइंफेक्टेंट क्लोरीन, क्लोरीन से भी ज्यादा पावरफुल है। तो अब आप बोलोगे कि सर तब तो हमें क्लोरीन की जगह इसी का यूज करना चाहिए। भाई हम किसकी चीजों के पीछे भागते हैं, सस्ती चीजों के लिए भागते हैं, ठीक है, और जब काम उससे हो रहा है तो हमें महंगी चीजें क्यों करनी है। तो हम किसका यूज करते हैं, क्लोरीन का, बट क्लोरीन से ज्यादा इफेक्टिव इसको माना गया। बट प्रॉब्लम वही है कि ओजोन इज मोर कॉस्टली देन क्लोरीन, क्लोरीन आपको सस्ता मिलता है और ओजोन आपका महंगा पड़ता है, क्लियर है। टू नॉट प्रोवाइड द रेजिडुअल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिकंटामिनेशन, और हाँ इसका यूज आप तब भी नहीं कर सकते हैं जब आपका रेजिडुअल प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंटामिनेशन हो, यानी कि जब आपका हो सकता है आपको वाटर फ्यूचर प्लान में क्या हो सकता है, कंटामिनेट हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी आपका ये वर्क नहीं कर पाता है, क्लियर है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर तो सर हम इसका यूज कहाँ करते हैं। अगर इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया में इसका यूज स्मॉल स्केल पे किया जाता है। जैसे आप सभी स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं तो वहां का पानी आपको कैसे दिखता है सर, बिल्कुल क्लीन दिखता है, ठीक है, और हर दिन आपको ऐसे लगता है कि यार वाह कितना अच्छा पानी है। तो उसके पीछे रीजन है कि वहां पे कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वहां पे ट्रीटमेंट किया जाता है आपका ओजोन का, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, ओजोन के बारे में इतना ही आपको पढ़ना है, इससे अलावा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है आपको, पीएचडी नहीं करनी है, एग्जाम क्रैक करना है। उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है सर आपका आयोडीन एंड ब्रोमाइन पिल्स। ये जो आयोडीन एंड ब्रोमाइन पिल्स है ये किसके अंदर आता है, ये सर हैलोजन ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है, ये सब किसके अंडर आते हैं, तो ये भी लिख देता हूं, इट इज द अंडर ऑफ हैलोजन ग्रुप, अंडर ऑफ हैलोजन ग्रुप। अब आपसे सवाल है कि सर ये हैलोजन ग्रुप कौन से होते हैं, अरे भाई लिखे तो है, मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया, ये होते हैं आपके पास आयोडीन होते हैं, ब्रोमाइन पिल्स होते हैं, एक्सेट्रा। क्लियर है? तो सर दे आर अवेलेबल इन दी फॉर्म ऑफ पिल्स एंड टेबलेट। ये किसकी फॉर्म में मिलते हैं आपको, तो ये जो मिलते हैं आपको मार्केट के अंदर ये पिल्स एंड टेबलेट की फॉर्म में मिलते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है आपने पिल्स भी देखी होगी और टेबलेट्स भी देखे होंगे, तो जो टेबलेट लेने जाते हैं क्या सस्ती मिलती है? नहीं सर, महंगी मिलती है। तो कहीं ना कहीं दे हैव वेरी हाई, ठीक है, वेरी हाई कॉस्ट, इनकी कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। और इसका यूज हम कहां करते हैं सर, मिलिट्री पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है, आर्मी में करते हैं इसका यूज। ठीक है, जो आर्मी मैन होते हैं, शोल्डर मैन होते हैं, उनके लिए है, किसका यूज किया जाता है, आपकी आयोडीन ब्रोमाइन पिल्स का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पर, यूवी रेडिएशन। कौन सा आता है सर, आपका यूवी रेस। तो यूवी रेस से भी आप क्या कर सकते हैं सर, आप अपना वाटर ट्रीट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, बट जो आपका यूवी रेस है ये आपकी सबसे कॉस्टली टेक्निक है। कैसी टेक्निक है सर, कॉस्टली टेक्निक है, इट इज मोर इफेक्टिव मेथड फॉर द डिसइंफेक्शन वाटर। अब देखना कैसी चीजों को याद रखना है, जो चीज सबसे ज्यादा कॉस्टली है ना वो इफेक्टिव तो है बट उसका रीजन है कि वो महंगी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नो रेजिडुअल इफेक्ट इज अवेलेबल फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिकंटामिनेशन। वहां पे कोई भी रेजिडुअल लेफ्ट नहीं रहते हैं। सर आप बोल रहे हैं कि सर आप बार बार ये रेजिडुअल टर्म क्यों बोल रहे हैं। देखिएगा, जब हम किसी वाटर को ट्रीट करते हैं और जब हम उसको क्लोरीन से ट्रीट कर रहे हैं, मेरा मानना है कि मैंने अपने वाटर्स के अंदर क्लोरीन का डोज डाला है मान लो 14 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, एक लीटर पानी में मैंने 14 मिलीग्राम का क्या डाला, क्लोरीन डाला। जब तक मैं उस वाटर को पूरी तरह से खत्म नहीं करता तो उसके लास्ट स्टेज तक वहां पे कितना क्लोरीन रहना चाहिए, कम से कम 0.1 मिलीग्राम पर लीटर से 0.2 मिलीग्राम पर लीटर तक का क्लोरीन वहां पर शेष रहना चाहिए। अब जो ये बचा हुआ क्लोरीन है यही किस फॉर्म में होता है सर, रेजिडुअल क्लोरीन की फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे ही आपने देखी होगी कि सर ये मेरे पास एक पेन है, तो इस पेन में आप इंक फिल करते हो पूरी तरह से, सपोज करो आपने इसके अंदर क्या डाल दी, क्लोरीन डाल दी आपने इसमें, जब तक ये पेन क्या हो जाए, बंद हो भी जाए, तब भी इसके अंदर जो इसमें इंक पुट की है ना, उस इंक का अमाउंट इतना तो रहना चाहिए कि मैं जब दोबारा से इसमें क्लोरीन इंक डालूं तो ये दोबारा चलने लायक हो जाए। तो यही बात है क्लोरीन की भी, कि कम से कम इतना क्लोरीन रहना चाहिए लास्ट स्टेज तक भी, कि जब हमें उसमें नेक्स्ट टाइम क्लोरीन ऐड करूंगा तो पानी फिर से क्या है, कंटामिनेट ना होकर प्योर बन जाए। क्लियर है, ये चीज है। उसके बाद बोल रहा है कि सर इसका यूज कहां करते हैं, इसका यूज करते हैं हम हॉस्पिटल वगैरह में, जहां पर आपको कम अमाउंट का वाटर ट्रीट करना हो। कहां पे करते हैं, जहां पे कम अमाउंट का वाटर आपको ट्रीट करना हो, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो यूवी ट्रीटमेंट करवाना थोड़ा टफ है, ऐसा नहीं, एम्स वगैरह में ये ट्रीटमेंट होता है। और उसके बाद जितनी भी आपकी प्राइवेट बिल्डिंग होगी, डिस्पेंसरी होगी, आपके स्विमिंग पूल हो गए, तो ये ऑप्शंस काफी बारी देखे जाते हैं दोनों, एक आपका यूवी रेज होता है और एक आपका मैंने प्रीवियस में बताया है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लियर हुआ सर यूवी रेडिएशंस के बारे में, कॉस्टली टेक्निक है, आपका मोस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट है, यूज कहां करते हैं, जहां पे कम अमाउंट को वाटर ट्रीट करना हो, जैसे आपका हॉस्पिटल हो गया, आपकी प्राइवेट बिल्डिंग हो गई, आपकी डिस्पेंसरी होगी, एक्सेट्रा। क्लियर है? उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है सर पोटेशियम परमैंगनेट। जब हम बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की, तो इसको हम लाल दवा बोलते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे गांव में रहते हैं, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, कुएं का पानी का यूज करते हैं। जब कुएं के पानी का यूज करते हैं तो वहां पे हम क्या ऐड करते हैं, हम वहां पे लाल दवा का यूज करते हैं। जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो हमारे घर में मैंने खुद देखा है, मेरी मदर्स भी उसी डिपार्टमेंट में है स्कूल में, तो मेरे मम्मी भी क्या करते थे, ये हमें बताते थे कि आपको वहां पे क्लोरीन की गोली डाल दो या लाल दवा डाल दो। आज की डेट में तो ये चीजें नहीं हो पा रही है, क्योंकि लोग के घरों में क्या लगा है, आरओ लगा है और पाइप के थ्रू पानी आ रहा है। बट हमारे घर में आप अभी भी आओगे शिमला जैसे शहरों में, तो वहां पे अभी भी गाँव के लोग किसका पानी यूज करते हैं, या तो झरने का पानी पीते हैं या कुएं का पानी पीते हैं। अब जो झरने और कुएं का पानी होता है ना डियर, ये बहुत टेस्टी भी होता है और इस पानी को हमें ट्रीट करने की आवश्यकता भी नहीं होती है।
क्लियर है। बट जो लोग सिटी एरियाज में रहते हैं और सिटी एरिया में क्या होता है, पानी का सप्लाई होता है। अब यूज सिटी है जैसे आपकी दिल्ली जैसे शहर है, तो वहां पे तो पानी के झरने और कुएं तो विलुप्त हो ही चुके हैं। धीरे धीरे वहां से आबादी भी ऐसी नौबत आ जाएगी कि वहां पानी पीने लायक नहीं मिलेगा। तो शहरों की जिंदगी आप सभी जान रहे हैं कि शहरों की जिंदगी दिन प्रतिदिन कैसी बढ़ती जा रही है, और हम लोगों का एम है कि हम शहरों में बसे। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें अपना हेल्थ प्रिकॉशंस बरतना है। तो सबसे पहले है कि हमें अपने वाटर्स को बचाना है, और वाटर्स कब बचेगा, जब हम सब इन्वायरमेंट में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो बेटर है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को इतना आप इजी मत लीजिएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, ठीक है। तो देखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट की बात कर रहे हैं, जिसका हम केमिकल जो फॉर्मूला देखते हैं KMnO4 होता है, क्लियर है। ये हेल्प करता है टेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक मेटल्स इन वाटर, ठीक है, कि जितने भी आपके टेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनमें कौन हेल्प करता है, आपका पोटेशियम परमैंगनेट हेल्प करता है, क्लियर है। सम टाइम इसका यूज हम कहां करते हैं, एज ए क्लोरिनेटेड वाटर में भी करते हैं और एज ए फिल्टर वाटर में भी करते हैं, क्लियर है। उसका बाद इसका यूज आल्सो वेल वाटर में भी करते हैं और ट्यूब वेल में भी करते हैं। अब वेल एंड ट्यूब वेल ये किसके अंदर आता है सर, आपका ये सब सरफेस के अंदर आता है। इसके अंदर आता है सब सरफेस, मैंने अभी बताया था आपके कि गांव में जितने भी कुएं वगैरह होते हैं इसका यूज किया जाता है। इसका डोज कितना रहता है सर, 2 से 3 मिलीग्राम पर लीटर रहता है। और जो इसका कॉन्टेक्ट पीरियड रहता है, हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि आपका डिसइंफेक्टेंट कैसा होना चाहिए, जिसका कॉन्टेक्ट पीरियड क्या हो, ज्यादा हो। तो इसका जो कॉन्टेक्ट पीरियड होता है ना स्टूडेंट, वो 4 से 8 घंटे का होता है। तो ये आस्क द एग्जामिनर कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसका कॉन्टेक्ट टाइम कितना होता है, तो उसका कॉन्टेक्ट टाइम आपके पास 4 से 8 घंटे का होता है, क्लियर है। उसके बाद देखिएगा ये वर्क कैसे करता है, देखिएगा आपका क्या है, एक वेल वाटर लिया हमने, वेल वाटर में क्या ऐड कर दिया, लाल दवा ऐड कर दी पोटेशियम परमैंगनेट, तो उससे क्या हुआ आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर इम्पार्ट्स हुए। अगर आपका कलर पिंक हुआ, ठीक है, आपका कलर आएगा भी पिंक, बट ये पिंक कैसा होगा सर, आपके पास डार्क पिंक होगा, कैसा होगा, डार्क पिंक होगा। अब जब ये डार्क पिंक होगा तो हमें क्या लगा कि अभी थोड़ा पानी आपका उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, इसमें हम दोबारा से क्या करेंगे, फिर से हम इसमें अपना पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करेंगे, जो यहाँ पे वो फिर से कलर इम्पार्ट्स करेगा। अब जो कलर आएगा वो आपके पास लाइट पिंक कलर आएगा, कैसा आएगा सर, लाइट पिंक कलर आएगा। और लाइट पिंक कलर आएगा तो उसको हम कितने घंटे के बाद यूज करेंगे, 48 घंटे के बाद यूज करेंगे। कि जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने कुएं में क्या कर दिया है, लाल दवा डाल दी है, तो जब हमने उसको क्या देखा होगा, एक दिन के बाद देखा, तो वहां पे थोड़ा सा कलर कैसा रहा होगा, डार्क पिंक रहा होगा। हमने उसको फिर से क्या किया सर, फिर से उसको 24 आवर्स के लिए ऐड कर दिया आपका पोटेशियम परमैंगनेट, और फिर से 48 घंटे के बाद देखा कि हमारा जो आपका वाटर था ओरिजिनली वो हमें मिल चुका है। तो इसलिए हम बाद में क्या कर लेंगे सर, उसका यूज कर लेंगे, क्लियर है। तो इस तरह से वर्क चलता है आपका किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, क्लियर है। उसके बाद आता है सर सिल्वर और इलेक्ट्रो कद्यान प्रोसेस। ये देखिएगा, हालांकि ये आपका जो किसने बनाया है, ये किसी IITian के थ्रू बनाया गया है दिस मेथड को, ठीक है। मुझे IIT पता नहीं है कि कौन सी IIT है, तो शायद IIT मद्रास या IIT कानपुर द्वारा इस मेथड को डिजाइन किया गया है, क्लियर है। सिल्वर, क्योंकि जो भी है आपके वाटर्स में क्या ऐड किया जाता है, सिल्वर ऐड किया जाता है। और जहां पे ये प्रोसेस वर्क किया गया था वो कद्यान था, कुछ गाँव का नाम है जहां पे उन्होंने प्लांट दिया था, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट आपको याद रखना कि सिल्वर को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रो कद्यान प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपके एल्गी को रिमूव करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर क्या करता है, आपकी एल्गी को रिमूव करता है और टेक केयर फ्यूचर कंटामिनेशन, और ये आपके फ्यूचर कंटामिनेशन के मद्देनजर रखते हुए भी बेस्ट है। इससे पहले जितने भी पड़े थे उनमें फ्यूचर कंटामिनेशन पॉसिबल ही नहीं था, बट जब हमने सिल्वर ऐड किया सर, तो यहाँ पे फ्यूचर कंटामिनेशन क्या हो गया आपके पास, पॉसिबल हो गया है। और ये कैसा है, बट ये कॉस्टली प्रोसेस है, क्लियर है, इतना क्लियर हो गया है। अब आपके हम मेजर मेथड्स की बात करेंगे, जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लोरीनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, क्लोरीनेशंस के सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहेगा कि आपको क्लोरीनेशंस आएगा नहीं, ठीक है। पानी पी लेते हैं भाई,
ठीक है। अब सवाल यहां पे भी उठता है, सर ये क्लोरीनेशन क्या है, तो देखो एक नजर डालो। एक तो लिखता हूं मैं यहां पे डिसइंफेक्टेंट, और एक लिखता हूं मैं यहां पर कोगुलेंट, और एक लिखता हूं मैं यहां पे क्लोरीन। ठीक है, शायद ये चीजें बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि इन चीजों के लिए सर्च करनी होती है, इतनी जल्दी ये चीजें सीखी नहीं जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये एक्सपीरियंस पे ही आती है, जब हमने भी पढ़ा है तो हमें भी तभी आई, बट जब मैं भी आपकी स्टेज में था तो हमको कुछ इस तरह से नहीं बताया गया था। तो ये देखिएगा, जब हम बात करते हैं सर डिसइंफेक्टेंट की, तो डिसइंफेक्टेंट क्या है, एक तरह का केमिकल है। क्या है सर, ये केमिकल है सर, और ये भी क्या है सर, कोगुलेंट भी क्या है सर, आपका एक तरह से ये केमिकल है। और क्लोरीन की बात करते हैं तो सर ये भी क्या है, एक प्रकार का केमिकल ही है ये भी भाई, ठीक है, ये भी क्या है, केमिकल ही है। क्लियर है, अगर हम इस केमिकल को यानी कि इस डिसइंफेक्टेंट को अगर मैं अपने वाटर के साथ ऐड करता हूं, और अगर इस कोगुलेंट को मैं अपने वाटर के साथ ऐड करता हूं, और इस क्लोरीन को जब मैं अपने वाटर के साथ ऐड करता हूं, तो क्या बनता है स्टूडेंट, तो देखिएगा, इसको जब हमने ऐड किया डिसइंफेक्टेंट मतलब केमिकल में जब हमने वाटर किया, तो इस प्रोसेस का क्या नाम दिया सर, डिसइंफेक्शन नाम दिया। क्या नाम दिया सर, डिसइंफेक्शन। और जब हम कोगुलेंट में कोगुलेंट वाटर में ऐड किया, तो इसको नाम क्या दिया सर, कोगुलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोगुलेशन। और जब हमने क्लोरीन को अपने वाटर में ऐड किया, तो इसको क्या नाम दिया सर हमने, क्लोरीनेशन। तो इसको क्या नाम दिया सर हमने, क्लोरीनेशन नाम दिया। तो आज आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अपने साथी दोस्त से पूछ भी लेना, ये सारी टर्म्स लिख देना और उसको बोलना भाई डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, तो मैं गारंटी देता हूं उसके ना दिमाग हिल जाएगा कि ये पूछ क्या रहा है मुझसे। तो आपको पता होना चाहिए सर डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, कोगुलेंट क्या होता है, और क्लोरीन क्या होता है। किया है, डिसइंफेक्टेंट क्या है, एक तरह का केमिकल है, केमिकल है सर, जिसको जब हम वाटर के साथ ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डिसइंफेक्शन। और जब मैं कोगुलेंट की बात करता हूं, तो कोगुलेंट भी क्या है, एक तरह से सर ये हमारे पास केमिकल है भाई। इस केमिकल को जब वाटर के साथ ऐड करते हैं, तो उस प्रोसेस को नाम दिया गया है कोगुलेशन। और जब हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन भी क्या है, एक तरह से केमिकल है। जब हम इस वाटर के साथ ऐड करते हैं, तो क्या बनाता है सर, ये आपका क्लोरीनेशन बनाता है। क्या बनाता है भाई, क्लोरीनेशन बनाता है। तो क्लियर है भाई डाटा, सब क्लियर हो गया, क्लियर हो ही गया होगा भाई अब तो। क्लियर है, किसकी बात करेंगे, क्लोरीनेशन की बात करेंगे। तो देखते हैं क्लोरीनेशन क्या है आपके पास, कि जब हम अपने वाटर्स में क्या है कि सर, जब हम अपने वाटर में किसको ऐड करते हैं, क्लोरीन को ऐड करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है सर, तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है आपका क्लोरीनेशन। कौन सा नाम दिया जाता है, क्लोरीनेशन नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा कि बट ध्यान रखना कि जो क्लोरीनेशन का जो प्रोसेस है, किस पे डिपेंड करता है, आपके वाटर के पीएच पे। तो पहली ही लाइन लिखी मैंने कि इट डिपेंड्स पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, किस पे डिपेंड करता है, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो पीएच वैल्यू ऑफ वाटर हो सकती है, वो सभी जानते हैं सर, एसिडिक नेचर का भी वाटर हो सकता है आपका सर, और बेसिक नेचर का भी हो सकता है। एसिडिक नेचर में पीएच का लेवल कितना होता है स्टूडेंट, आपके पास लेस देन 7 होता है, और यहां पे कितना होता है सर, पीएच का लेवल आपके पास मोर देन 7 होता है। क्लियर है, बिल्कुल सही। अब देखते हैं कि एडिशन ऑफ क्लोरीन इन वाटर इज नोन एज क्लोरीनेशन। और जब हम क्या करते हैं, वाटर में क्लोरीन को ऐड करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है सर, क्लोरीनेशन नाम दिया जाता है। क्लियर है, ये किस तरह का मेथड है सर, आपके पास एक यूनिवर्सल मेथड है। ठीक है, इफ क्लोरीन इज एडिड वाटर, देखिएगा अब हमने क्या बताना है, इसका हमने बताना है
एक्शन ऑफ क्लोरिनेशन। अब जो नेक्स्ट आएगा आपके पास मैं लिख देता हूं हेडिंग में, एक्शन ऑफ क्लोरिनेशन, एक्शन ऑफ क्लोरिनेशन। ठीक है, तो एक्शन ऑफ क्लोरिनेशन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे वो क्या करता है, वो वर्क करता है। तो देखिएगा, पहला है कि इफ क्लोरीन इज एडेड, तो आप सपोज करो कि अगर आपके वाटर का पीएच क्या हो, लेस देन 5.5 है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, क्लोरीन जब आपके वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एक बनाएगा वो HOCl प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन। ठीक है, तो और जब हम बात करेंगे कब, कि जब आपका पीएच क्या हो 5.5 और 7.5 के बीच में है, तो उस समय क्या होगा, तो आपका सर HOCl फॉर्म होगा और आपका OCl नेगेटिव फॉर्म होगा। क्लियर है, बट जब सर हमारा पीएच क्या हो 7.5 से ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में आपका HOCl है, जो HOCl है वो किस में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन एंड आपका OCl नेगेटिव में फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, कि पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ कि आपका सपोज करो आपने कोई सैंपल लिया और उसका पीएच क्या था सर हमारे पास लेस देन 5.5, तो जो आपका क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो उसने हाइपोक्लोराइट बनाया, यानी कि HOCl प्लस H प्लस प्लस Cl। बट जैसे ही हमने दूसरा सैंपल लिया, दूसरे सैंपल में आपने पीएच देखा कि सर उसका पीएच कितना था 5.5 से 7.5, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि आपका हाइपोक्लोराइट प्लस एच प्लस सीएल किसमें कन्वर्ट हो गया सर, ओसीएल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, फिर आपने देखा कि सैंपल का मोर देन 7.5 है, तो जो आपका HOCl है वो किसमें ब्रेक हो गया सर, हाइड्रोजन आयन प्लस आपका OCl नेगेटिव में हो गया है। तो इस तरह से आपका क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। तो जब यहाँ पे क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे आपको दो क्लोरीनेशन के आइटम मिले, एक सर HOCl और दूसरा आपके पास OCl मिला। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर देखिएगा कि अब देखिएगा सब क्या हमारे पास फ्री क्लोरीन अवेलेबल है, ये आपको मिला क्लोरीन। ठीक है, जब वाटर के साथ रिएक्ट किया Cl2 HOCl और OCl मिला, जो किस फॉर्म में थे आपके पास, फ्री अवेलेबल क्लोरीन थे। किस नेचर के थे सर हमारे पास, अनस्टेबल नेचर के थे, और जब अनस्टेबल नेचर के थे तो ये क्या काम कर रहे थे, आपके पैथोजेंस को किल कर रहे थे। क्लियर है, नोट पॉइंट है कि जो HOCl है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो सर हमारे पास ये फ्री अवेलेबल क्लोरीन है, एक Cl2 एक HOCl और एक OCl, इनमें सर सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, सवाल ये है इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो आपने बताना सर HOCl स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सर कितना स्ट्रॉन्ग है सर, 80 टाइम्स मोर पावरफुल OCl नेगेटिव, OCl नेगेटिव से कितना गुना है सर, 80 गुना पावरफुल है। क्लियर है, सेकंड नोट है कि जब आपका वाटर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो किसकी फॉर्म आती है, फ्री क्लोरीन, और फ्री क्लोरीन क्या है सर आपके पास, HOCl और OCl है। बट जब यही क्लोरीन अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है तो वहां पे क्लोरामाइन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, तो ये लिख दिए कि जब वाटर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो फ्री क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है, मैं लिख देता हूं। ठीक है, और ऐसा तो नहीं है कि जब आपका वाटर होगा सर उसमें अमोनिया भी होगा, बिल्कुल यही अमोनिया जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरामाइन का सर फॉर्मेशन होता है। किसका होता है सर, आपका क्लोरामाइन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, इतना आपको क्लियर हो गया है, बिल्कुल हो गया है सर। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या देखना हमने, क्लोरामाइंस। क्लोरामाइंस क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरीन प्लस अमोनिया। जब क्लोरीन, जब अमोनिया के साथ क्लोरीन रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सर, क्लोरामाइन बनाता है। और ये जो क्लोरामाइन है ये भी किस पे डिपेंड करता है सर, आपके वाटर सैंपल के पीएच पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है, फर्स्ट केस की अगर आपके वाटर का पीएच क्या हो 7.5 से ज्यादा हो तो क्या बनता है आपके पास, मोनोक्लोरामाइंस बनते हैं। क्या बनते हैं आपके पास, मोनोक्लोरामाइंस। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं मोनोक्लोरामाइंस प्लस आपके पास HCl। बट जब यही क्या होता है, आपका पीएच 5 और 7.5 के बीच में है तो जो आपके पास ये मोनोक्लोरामाइंस है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है सर, डाइक्लोरामाइंस में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है सर, डाइक्लोरामाइंस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस आपका HCl रहता है। क्लियर है, बट अगर आपका पीएच लेस देन 5 रहता है तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, ट्राइक्लोरामाइंस का फॉर्मेशन होता है। इसका सर ट्राई क्लोरामीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये पूछा जाता है बहुत बारी कि अगर आपके वाटर के सैंपल का पीएच 7.5 से है तो किसका फॉर्मेशन होता है, जब अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है सर तो मोनोक्लोरामीन का फॉर्मेशन होता है, और जब पीएच 5 से 7.5 के बीच में होता है तो जो आपका मोनो
क्लोरामीन्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है सर, आपका डाई क्लोरामीन्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर है। और जब आपके सैंपल का पीएच लेस देन 5 हो तो आपके पास जो डाई क्लोरामीन्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है सर, आपका ट्राई क्लोरामीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हमारे पास आए NH2Cl, NHCl2, NCl, ये सब क्या है, क्लोरामीन्स है, क्लोरामीन्स भी बोल सकते हैं इनको, और कंबाइंड क्लोरिन फॉर्म भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, कंबाइंड क्लोरिन फॉर्म, कंबाइंड क्लोरिन फॉर्म भी इसको हम नाम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो टर्म्स क्लियर हुई होगी, कौन सी, एक तो आपको पता चला सर यहाँ पे कंबाइंड क्लोरीन फॉर्म क्या होती है, और दूसरा सर आपको पता चला फ्री अवेलेबल क्लोरीन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है फ्री अवेलेबल क्लोरीन, जैसे आपका HOCl और OCl हो गया है। HOCl क्या है सर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कितना स्ट्रॉन्ग है सर, आपका 80 गुना स्ट्रॉन्ग है। और उसी तरह से अगर आपको बोले सर क्लोरामीन्स के बारे में, तो क्लोरामीन्स कंबाइंड कि क्लोरीन की फॉर्म में कौन कौन आते हैं सर, आपके पास एक आता है सर मोनोक्लोरामीन्स, डाईक्लोरामीन्स, और आपके पास ट्राईक्लोरामीन्स आते हैं। इसी के बेस एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री क्लोरीन क्लोरामीन्स एंड फ्री क्लोरीन्स। तो आपको पता है कि फ्री क्लोरीन ने क्या किया होगा, पहले वाटर के साथ रिएक्ट किया होगा, तो वहां पे क्या बनाया होगा उसने सर, आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्मेशन किया था। डाईक्लोरामीन्स आपके पास NH2Cl, NHCl और NCl3, ठीक है, ये बनाया होगा। बट जब आपका यही क्लोरीन अमोनिया के साथ रिएक्ट किया होगा, अमोनिया के साथ रिएक्ट किया होगा तो क्या बनाया होगा आपने, ये फ्री क्लोरीन, अच्छा दोनों सेम ही, नहीं नहीं फ्री ये है ना अमोनिया, ये तो भाई उल्टा लिख दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं इसको चेंज कर देते हैं, मैं भी सोचा हूं कहां पे गलती की है, ऊपर गलत लिख दिया है इसको, अब ठीक है। यहां पे क्या किसकी बात की थी हमने सर, फ्री क्लोरीन की बात की थी, फ्री अवेलेबल क्लोरीन, क्लोरीन को मैं Cl2 लिख देता हूं, और यहां पे क्या है सर आपके पास कंबाइंड क्लोरीन, कंबाइंड क्लोरीन बोलो या क्लोरामीन बोलो आप यहां पे, ठीक है। तो फ्री अवेलेबल क्लोरीन क्या है, जब क्लोरीन आपके वाटर के साथ रिएक्ट किया होगा तो वहां पे किसका फॉर्मेशन हुआ आपका, एक HOCl और एक OCl का हुआ, जिसमें HOCl क्या था सर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीजन था। जब हमने कंबाइंड क्लोरीन की बात की थी तो क्लोरीन आपका अमोनिया के साथ रिएक्ट करके उसने डाईक्लोरामीन्स, मोनोक्लोरामीन्स और ट्राईक्लोरामीन्स बनाए होंगे, क्लियर है, बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं कि जो ये फ्री अवेलेबल क्लोरीन होते हैं HOCl और OCl, ये क्या होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट होते हैं, और इन दोनों में से भी सबसे पावरफुल कौन सा होता है सर, HOCl होता है। बट जब हम बात करते हैं कंबाइंड क्लोरामीन्स की, तो कंबाइंड क्लोरामीन्स बोलो या कंबाइंड क्लोरीन बोलो, तो ये क्या होता है सर, लेस पावरफुल होते हैं एज कंपेयर टू आपका फ्री अवेलेबल क्लोरीन। अब जो हमारे पास ये HOCl और OCl होते हैं, ये क्या होते हैं सर, अनस्टेबल होते हैं, और जो आपका मोनोक्लोरामीन्स, डाईक्लोरामीन्स और ट्राईक्लोरामीन्स होते हैं, ये आपके सर स्टेबल होते हैं, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं किनकी, फ्री क्लोरीन की, तो फ्री क्लोरीन में क्या होता है सर, कॉन्टेक्ट टाइम कम होता है, जबकि आपके मोनोक्लोरामीन्स में आपका कॉन्टेक्ट ज्यादा होता है, क्लियर है, नॉट इंश्योर फ्यूचर कंटामिनेशन। और जो आपके पास ये फ्री क्लोरीन होती है, ये क्या करती है, नॉट इंश्योर फ्यूचर कंटामिनेशन। बट अगर हम बात करते हैं कंबाइंड क्लोरीन की, तो इंश्योर करती है आपके फ्यूचर कंटामिनेशंस को, ठीक है। तो अगर हमने इसको यूनिवर्सल कहा है, तो इसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है, क्योंकि वो चाहे आपके पास फ्री अवेलेबल क्लोरीन हो या कंबाइंड क्लोरीन हो, दोनों ही क्या करते हैं, दोनों में से कौन सा आपका फ्यूचर कंटामिनेशन में हेल्प करता है, तो सर आपकी ये कंबाइंड क्लोरीन, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सर फ्री क्लोरीन क्या होता है और कंबाइंड क्लोरीन क्या होता है। अब देखते हैं सर फॉर्म ऑफ क्लोरीनेशन, कि किस किस फॉर्म में आपको क्लोरीनेशंस मिलता है। क्लोरीनेशंस पता हुआ कि क्लोरीन जब वाटर के साथ ऐड करते हैं तो प्रोसेस को बोला जाता है सर क्लोरीनेशन, क्लियर है। इसमें आता है सर एज ए फ्री क्लोरीन आता है और एज ए कंबाइंड क्लोरीन आता है। जब हम बात करते हैं एज ए फ्री क्लोरीन की, फ्री क्लोरीन जो आपको यहाँ पे डिस्कस किए भाई, ये सब फ्री क्लोरीन तो थे, अवेलेबल फ्री क्लोरीन जिसमें HOCl और OCl नेगेटिव है, तो ये किस किस की फॉर्म में हो सकते हैं, तो सर आपके पास ये लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैसेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सर इन दोनों में से तब यूज कौन सा करेंगे, लिक्विड या गैसेस। तो आज की डेट में नाउ ए डेज हम कौन सा करते हैं सर, एज फ्री क्लोरीन में हम लिक्विड यूज करते हैं, क्या करते हैं सर, नाउ ए डेज में हम इसका यूज करते हैं,
पूरा लिख देता हूं। नाउ ए डेज हम किसका यूज करते हैं, लिक्विड क्लोरीन का करते हैं, बट हम गैसेस का यूज नहीं करते हैं, क्लियर है। बट जब हम कंबाइंड क्लोरीन की बात करते हैं, जहां पे इसके हो सकते हैं, सर हमारे पास क्या हो सकते हैं, हाई क्लोराइड हो सकते हैं, क्लोरामिन हो सकते हैं, क्लोरीन टेबलेट हो सकते हैं, और आपके पास क्लोरीन डाइऑक्साइड हो सकते हैं, हाइपोक्लोराइड, यहाँ पे भाई ये लिखा है मैंने, हाइपोक्लोराइड हो सकते हैं, क्लोरामिन हो सकते हैं, क्लोरीन टेबलेट हो सकती है, और क्लोरीन डाइऑक्साइड हो सकती है। तो इनमें से मैंने आपको यहाँ पे बताया तो है कि कंबाइन क्लोरीन, तो कंबाइन क्लोरीन में आपके पास मोनाक्लोरामिन आता है, डाइक्लोरामिन आते हैं, ट्राइक्लोरामिन, ये सब किसके एग्जांपल है, ये आपके कंबाइन क्लोरीन के ही तो है, इस क्लोरामिन में। तो इस क्लोरामिन के नीचे आप लिख सकते हैं कौन कौन सा, सर एक आया था सर हमारे पास NH2Cl, ठीक है, मोनोक्लोरामिन, एक आया था सर मेरे पास NHCl2 डाइक्लोरामिन, और एक आया था सर आपके पास ट्राइक्लोरामिन, ट्राई मतलब NCl3 ट्राइक्लोरामिन, ठीक है। तो उसी तरह से आपका हाइपोक्लोराइड, क्लोरीन टेबलेट्स और आपका कंबाइन क्लोरीन डाइऑक्साइड, ये भी सब किसके अंदर आते हैं सर, आपके कंबाइन क्लोरीन की फॉर्म में आते हैं, क्लियर है, क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इनमें वेरियस फॉर्म ऑफ क्लोरीनेशन, ये देखिएगा ये आ गया, तो इसमें जैसे आप मैंने अभी बताया हाइपोक्लोराइड हो गया आपका, क्लोरामिन हो गया आपका, क्लोरीन गैस और लिक्विड गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस लिक्विड गैस हो गया आपका, और क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस हो गया। तो इनको मैंने सब किस में बता दिया था आपको, सिर्फ इनको आपको डिफ्रेंशिएट करके बता दिया था, ठीक है, तो ये आपको डिफ्रेंशिएट में ज्यादा याद हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे आपका वेरियस फॉर्म ऑफ क्लोरीन में ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं सर, ये ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को ही आप हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब देखिएगा ये जो मेरा हाइपोक्लोराइड है इसी को मैं क्या नाम दूंगा सर, इसी को नाम बोला जाता है बीपी, बीपी बोले तो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब जब हम इस ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं भाई, तो इसमें क्या चीजें आती है, देखिएगा इट इज आल्सो नोन एज क्लोरीनेटेड लाइम, इसको हम क्लोरीनेटेड लाइम का नाम भी देते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर को हम किस नाम से जानते हैं, क्लोरीनेटेड लाइम के नाम से भी जानते हैं, और इसका कभी कभी केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो क्या होता है, CaOCl2 होता है, क्लियर है। समटाइम यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट, और कभी कभी हम इसका यूज एज डिसइंफेक्टेंट भी करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि CaOCl2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम प्रोड्यूस होता है और 2OCl नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो बैलेंस के लिए मुझे क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पे 2 लगाना होता है। तो आप सभी जानते हैं कि 1 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर्स के लिए, ठीक है, 1 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर्स के लिए आपका कितना क्लोरीन रिक्वायर्ड होगा, यही आपको याद रखना है। इसका मैं आपको ये नहीं रिएक्शंस नहीं करवाऊंगा, रिएक्शंस कोई नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ ये पूछेगा कि 1 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर के लिए अगर 0.422 ग्राम क्लोरीन रिक्वायर्ड है तो आपने बताना है सर 620 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर्स के लिए हमें कितना क्लोरीन रिक्वायर्ड होगा, तो आपने क्या कर देना, इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो उतना ब्लीचिंग पाउडर आपको रिक्वायर्ड होगा, क्लियर है। ये बात आपको क्लियर हुई भाई इसकी, ठीक है सर, कि 1 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर्स के लिए कितना क्लोरीन रिक्वायर्ड होगा, सर आपका 0.422 ग्राम्स रिक्वायर्ड होगा। इसको अगर मैं मिलीग्राम में लिखना चाहूं तो ये मिलीग्राम में भी मैं लिख सकता हूं, यस, कैसे, कि 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर्स के लिए कितना क्लोरीन रिक्वायर्ड होगा, तो कितना होगा सर, 0.422 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन रिक्वायर्ड होगा, इतना क्लोरीन क्या होगा आपके पास रिक्वायर्ड होगा, क्लियर है। तो ये चीज भी मैं क्या कर देता हूं सर, इसको भी आप अंडरलाइन कर दीजिए, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर पता लग गया, इसका नाम हाइपोक्लोराइट होता है, इसका यूज हम एज ए डिसइंफेक्टेंट करते हैं, और 1 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर के लिए 0.42 ग्राम क्लोरीन रिक्वायर्ड होता है, क्लियर है। उसके बाद आता है सर आपका क्लोरामिन, सेकेंड कौन सी आती है फॉर्म आपकी, क्लोरामिन। फर्स्ट केस कि जब क्लोरीन आपके अमोनिया जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सर, मोनोक्लोरामिन। अब जब मोनोक्लोरामिन कब बनेगा, जब आपके वाटर का पीएच क्या होगा सर, लेस देन 7.5 होगा, ठीक है। दूसरा केस है कि जब ये आपका मोनोक्लोरामिन आपके क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है सर, डाइक्लोरामिन। और ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब आपके वाटर का पीएच 5 और 7.5 के बीच में होगा, ठीक है सर। जो आपके पास ये मोनोक्लोरामिन और डाइक्लोरामिन ही होते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्लियर है। केस थर्ड आता है कि जब हम बात करते हैं डाइक्लोरामिन NH2Cl2, अब ये आ जाएगा
इसको भाई यहाँ पे सही करो, उनको ठीक है। अब हम किसका फॉर्म देख रहे थे, इसका। अब इसका जो ये NHCl2 जब आपके क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा ये सर, ट्राइक्लोरामीन्स। और ट्राइक्लोरामीन्स का फॉर्मेशन कब होगा, जब आपके वाटर का पीएच क्या होगा सर, लेस देन 5.5। और ये क्या होती है, ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, यहां तक आते आते उसकी पावर क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। क्या कहा हमने कि जब हम क्लोरामीन्स की बात करते हैं तो क्लोरामीन्स में आपका पीएच 5 से लेकर 7.5 के बीच तक रहा होगा तो वहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आए होंगे, जैसे आपका मोनोक्लोरामीन्स और आपका डाइक्लोरामीन्स। बट जैसे ही आपका पीएच क्या हुआ, 5 से कम हुआ, तो उस समय उनकी जो भी पावर थी आपके ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने की, वो क्या हो गई होगी सर, वो नेग्लिजिबल हो गई होगी। तो क्लियर है। तो क्लोरामीन्स के बारे में आपने इतना ही जानना था कि कौन आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और कौन सा आपका पावर नेग्लिजिबल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है क्लोरीन गैस और लिक्विड गैस। ये क्लोरीन गैस और लिक्विड गैस के बारे में देखा था। आज के दिन में हम किसका यूज करते हैं सर, आज के दिन में हम लिक्विड का यूज करते हैं, ना कि गैसेस का करते हैं। क्लियर है। ये क्या है, यूनिवर्सल अडॉप्टेड डिसइंफेक्टेंट है। बिल्कुल, कि जो क्लोरीन हम एज ए लिक्विड यूज करते हैं उसको एज ए यूनिवर्सल माना गया है। क्लियर है। हाई अमाउंट ऑफ क्लोरीन, अगर आपका क्या होगा, जितना ज्यादा आपका क्लोरीन का अमाउंट होगा तो वहां पे क्या रहेगा, वो रेजिड्यूअल की फॉर्म में रहेगा। जब रेजिड्यूअल की फॉर्म में रहेगा तो वहां पे क्या होगा, आपका ट्राई हेलोमीथेन फॉर्म होगा। क्या होगा सर, ट्राई हेलोमीथेन। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा और ये पक्का ले लो कि 2024 के एसएससी जेई में ये क्वेश्चन 101 पूछा जा सकता है। सर कौन सा, कि अगर आपके वाटर्स के अंदर क्लोरीन का अमाउंट एक्सेस में हुआ तो वहां पे क्या होगा, रेजिड्यूअल फॉर्म आएगी। जब रेजिड्यूअल आएगा तो किसका फॉर्मेशन होगा सर, ट्राई हेलो मीथेन का फॉर्मेशन होगा। अब सवाल ये है, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा सर, THM है। ठीक है। अब जो THM है ये किस नेचर का होता है, ये सर आपके पास कार्सिनोजेनिक नेचर का होता है। कार्सिनोजेनिक मतलब टू कॉज ए कैंसर। क्या करता है ये सर, टू कॉज ए कैंसर। तो आप लिख सकते हैं To cause a cancer, ठीक है। तो ये भी मत सोचना कि क्लोरीन जितना मर्जी डालोगे, आप जितना मर्जी डालोगे तो फायदा ही करेगा। अगर इसका अमाउंट ज्यादा हुआ तो रेजिड्यूअल फॉर्म की फॉर्म में वो ज्यादा रहेगा। जब रेजिड्यूअल की फॉर्म में ज्यादा रहेगा तो कहीं ना कहीं वहां पे ट्राई हेलोमीथेन फॉर्म होगा। और जो आपके पास ट्राई हेलोमीथेन है ये किसका कारण बनेगा, आपके पास कार्सिनोजेनिक कंपाउंड का कारण बनेगा। कार्सिनोजेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिससे हमारा कैंसर तक बीमारी हो सकती है। तो क्या हम चाहेंगे कि हमें कैंसर हो, नहीं सर। ठीक है। तो क्या बोला गया इसमें आपके कोड ने, कोड ने ये कहा कि जो फ्री रेजिडुअल क्लोरीन आपके वाटर में रहनी चाहिए, एक लीटर के पीछे कितनी रहनी चाहिए सर, 0.12 मिलीग्राम पर लीटर। ऐसा भी नहीं हो कि सर आपने सपोज करो 20 ग्राम की क्लोरीन डाली और आपको 10 ग्राम तक फ्री रेजिडुअल की फॉर्म में मिल रही है, नहीं। WHO के मुताबिक आपकी कितनी रहनी चाहिए रेजिडुअल की फॉर्म में, 0.1 से 0.2 मिलीग्राम पर लीटर रहनी चाहिए। क्लियर है। ये क्लियर हुआ इतना भाई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन डाइऑक्साइड की। अब जो क्लोरीन डाइऑक्साइड है इट इज आल्सो फॉर्म ऑफ क्लोरीनेशन। ये क्या है, इनस्टेंट टू किल द बैक्टीरिया। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो क्लोरीन डाइऑक्साइड की जो आपके पास टैबलेट भी आती है मार्केट में, अब टैबलेट है बट ये थोड़ी कॉस्टली होती है, इसको आप जैसे ही अपने वाटर के अंदर डालोगे तो बिल्कुल इतना फास्ट रेट से ये वर्क करेगा कि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो किल हो जाएंगे। बट क्या है, बट डिपेंड करेगा कि वहां पे आपके वाटर का पीएच लेवल कितना है। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, रेजिड्यूअल पावर विल बी देयर। और यहाँ पे जो इसकी रेजिड्यूअल पावर है वो भी रहती है, जितनी WHO ने कही है 0.1 से 0.2 मिलीग्राम पर लीटर उतनी रह सकती है। कैन नॉट बी स्टोर, बट जो क्लोरीन डाइऑक्साइड होता है ये आपके गैसेस की फॉर्म में होता है और इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है सर, आपका हाईली अनस्टेबल होता है। जब हाईली अनस्टेबल होता है तो इसका यूज हम नहीं कर सकते डीआई। ठीक है। उसके बाद वेरी एक्सपेंसिव मत है, ये कॉस्टली भी होता है। क्लियर है। तो क्लोरीन डाइऑक्साइड भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग
क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग हो सकते हैं आपके एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन पे, ये सिर्फ आप ध्यान देना। पहला फैक्टर है टर्बिडिटी, कि अगर आपके वाटर्स की टर्बिडिटी मोर देन क्या रही आपके पास 5 NTU से ज्यादा रही, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे आपका ये क्लोरीन को अफेक्ट करेगी। दूसरा है सर मेटालिक कंपाउंड प्रेशर, बिल्कुल से मेटालिक कंपाउंड प्रेशर, जैसे आपके पास जो भी पाइप है अब अगर मेटल पाइप यूज की होगी तो कहीं ना कहीं वो आपके क्या करेगी क्लोरीन को भी अफेक्ट करेगी। दूसरा होता है अमोनिया के कंपाउंड्स, अमोनिया के कंपाउंड्स आपने देखा होगा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाए उन्होंने सर क्लोरामीन्स बनाए, उस जो क्लोरामीन्स बने उनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग थे और कुछ आपके पास कैसे थे पावर नेग्लिजिबल थे। क्लियर है, बिल्कुल सही सर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन, क्या है पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, बिल्कुल। अगर आपका क्या क्या था कि क्लोरीन जब अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा था तो किस पे डिपेंड कर रहा था, पीएच पे डिपेंड कर रहा था, और जब क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था तो आल्सो किस पे डिपेंड कर रहा था सर, पीएच पे डिपेंड कर रहा था। क्लियर है, तो जब हम क्लोरीन के साथ वाटर ऐड किया तो वहां पे हमें दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिले HOCl और OCl। जब हमने क्लोरीन का अमोनिया के साथ रिएक्शन देखा था तो वहां पे हमारे पास सर मोनोक्लोरामीन्स, डाइक्लोरामीन्स और ट्राइक्लोरामीन्स मिले थे, वो सब किस पे डिपेंड थे, पीएच पे तो डिपेंड थे। उसके बाद आता है टेम्परेचर ऑफ वाटर, यस टेम्परेचर भी मेंटेन रहना चाहिए, कि जब हम बात करते हैं रॉ वाटर के टेम्परेचर की तो कितना रहना चाहिए सर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। अगर वो सर 10 से कम होगा तब भी इफेक्टिव होगा, और अगर 25 से ज्यादा होगा तब भी इफेक्टिवली होगा। क्लियर है, उसके बाद कॉन्टेक्ट टाइम, जी हाँ जितना ज्यादा कॉन्टेक्ट टाइम होगा उतना बेटर होगा कि आपका वो रेजिडुअल की फॉर्म में रहेगा। क्लियर है, तो ये भी चीजें थी जो आपको थोड़ा सा देख लेनी चाहिए थी। डोज वगैरह तो हमने देख लिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन, किसकी बात करेंगे हम आपके टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन की बात करते हैं, कि कितने टाइप की क्लोरीनेशन होती है आपके पास। तो जब हम टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपके पास सर प्लेन क्लोरीनेशन, कि सर प्लेन क्लोरीनेशन क्या होता है, तो देखिएगा इन दिस प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट ओनली क्लोरीनेशन एंड अदर ट्रीटमेंट, कि इस प्रोसेस में क्या होता है वाटर को सिर्फ ट्रीट किया जाता है किससे, क्लोरीनेशन से ही ट्रीट किया जाता है, और कोई मेथड वो यूज नहीं करते हैं। जैसे हमने कोई भी सोर्स से पानी उठाया और उसका हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, उसमें क्लोरीन ऐड कर दिया, कोई अदर ट्रीटमेंट नहीं किया, तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है सर, उस प्रोसेस को हमारा प्लेन क्लोरीनेशन नाम दिया जाता है। ये काम क्या करता है, ये रिमूव करता है उसमें से बैक्टीरिया को, ऑर्गेनिक मैटर को, एंड आपके वाटर के टेस्ट को रिमूव करता है। क्लियर है, दूसरा आता है आल्सो कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ एल्गी, और ये एल्गी की ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। क्लियर है, इट यूज ओनली क्लीन वाटर, और इसका यूज कहां करते हैं सर, हम आपके क्लीन वाटर में करते हैं जिस वाटर की टर्बिडिटी क्या हो लेस देन 10 ppm हो। क्लियर है, तो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं, और 10 ppm से कम टर्बिडिटी कौन से वाटर की होती है आपके पास, रॉ वाटर की होती है। क्लियर है, डोज ऑफ क्लोरीन कितना रहना चाहिए सर आपके पास, 0.5 mg/L रहना चाहिए। क्लियर है, यस सर। उसके बाद आता है प्री क्लोरीनेशन, ये तो देखो आपने प्लेन और प्री में भी बहुत सारे स्टूडेंट डाउट होते हैं। प्लेन क्लोरीनेशन हम पहले तब ऐड करते हैं जब सर हम किसी भी तरह की ट्रीटमेंट नहीं करते उस वाटर की, तो हम क्या करते हैं वहां पे प्लेन क्लोरीनेशन ऐड करते हैं। बट जब हम बात करते हैं प्री, तो प्री भी क्या होता है, बिफोर द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट पहले से जो भी क्लोरीन ऐड करते हैं हम, तो अगर हम बात करते हैं प्री क्लोरीनेशन तो इट इज द प्रोसेस क्लोरीन एडेड बिफोर द पीएसटी और एसएसटी, कि जो भी क्लोरीन आप पीएसटी और एसएसटी से पहले ऐड करते हो, ठीक है, पीएसटी और एसएसटी से पहले ऐड करते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं सर, प्री क्लोरीनेशन बोलते हैं। इट आल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कोगुलेंट, और इसके ऐड करने से क्या होगा कि जो भी हम अपना कहां पे एसएसटी में जो कोगुलेंट ऐड करेंगे वो भी कम लगेगा। क्या होगा सर कि जो सर हम एसएसटी में अपना कोगुलेंट ऐड करेंगे वो कोगुलेंट का अमाउंट कम लगेगा, कब, जब हमने उसमें पहले ही उसका क्लोरीनेशन किया होगा उस वाटर का। थर्ड आता है इट रिड्यूस द टेस्ट एंड कलर ऑफ वाटर, ये टेस्ट भी रिमूव करता है कलर भी रिमूव करता है। कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ एल्गी, और आपकी एल्गी को कंट्रोल भी करता है। नेक्स्ट इट विल रिड्यूस द बैक्टीरियल लोड इन फिल्टर, और बिल्कुल, और जो भी लोड आपका किस पे आ रहा होता है, फिल्टर पे आ रहा होता है, तो अगर आपने पहले से ही प्री क्लोरीनेशन किया होगा तो वहां पे वो लोड भी नहीं आएगा। नेक्स्ट इट प्रिवेंट द प्योरिफिकेशन ऑफ स्लज इन द सेटलिंग टैंक, और ये प्रिवेंट करता है आपका प्योरिफिकेशन स्लज इन द सेटलिंग टैंक। अब मैं बता देता हूँ प्री क्लोरीनेशन क्या है,
कि सर इस क्लोरीन को हम तब ऐड करते हैं बिफोर द ट्रीटमेंट ऑफ पीएसटी और बिफोर द ट्रीटमेंट ऑफ एसएसटी। सर इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि अगर हम इसको पहले ऐड करते हैं, जो भी कोगुलेंट हमें ऐड करना होता है वो कोगुलेंट का अमाउंट कम लगेगा। दूसरा सर ये टेस्ट कलर ऑर्डर को रिमूव करता है। तीसरा सर आपके फिल्टर पे कोई भी बैक्टीरिया लोड नहीं आएगा उतना जितना आना चाहिए था, ठीक है। और ये प्रिवेंट करता है आपके प्योरिफिकेशन ऑफ स्लज इन द सेटलिंग टैंक में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर पोस्ट क्लोरिनेशन। पोस्ट क्लोरिनेशन क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्लोरिनेशन है। क्या है सर, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्लोरिनेशन है। क्लोरीन इज एडेड आफ्टर द फिल्ट्रेशन। और पोस्ट क्लोरिनेशन कब आया, देखिएगा एक क्लोरीन आपने पहले ऐड कर दिया, कोई भी ट्रीटमेंट उस वाटर का नहीं किया, तो उसको हमने प्लेन क्लोरीनेशन बोला। जब हमने प्री क्लोरीनेशन की बात की थी तो प्री क्लोरीनेशन आपने कब ऐड किया, बिफोर द पीएसटी और बिफोर द एसएसटी। अब बात आती है पोस्ट क्लोरीनेशन की, तो पोस्ट क्लोरीनेशन हम कब ऐड करते हैं, आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऐड करते हैं, क्लियर है। क्लोरीन इज एडेड आफ्टर द फिल्ट्रेशन, इट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कंटामिनेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसका डोज कितना रहता है, 0.1 से 0.2 मिलीग्राम पर लीटर रहता है, क्लियर है। उसके बाद आता है सर डबल और मल्टीपल क्लोरीनेशन। अब डबल और मल्टीपल क्लोरीनेशन कब आता है, ये कॉम्बिनेशन है आपका प्री क्लोरीनेशन और पोस्ट क्लोरीनेशन। प्री क्लोरीनेशन हम कब देते हैं सर, ये देते हैं सर हम बिफोर पीएसटी एंड बिफोर एसएसटी। और अगर बात करते हैं पोस्ट क्लोरीनेशन की तो ये कब देते हैं, आफ्टर द फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद देते हैं, कुछ इसी तरह से है, यस सर इसी तरह से। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि यूज्ड व्हेन रॉ वाटर इज हाईली कंटामिनेटेड। ये बड़ा काम का है कि डबल डबल बोलो या मल्टीपल क्लोरीनेशन बोलो, ये कब ज्यादा इफेक्टिवली होगा, जब आपका वाटर क्या हो, हाईली कंटामिनेटेड हो। तो इसका यूज हम तभी करेंगे जब आपका वाटर क्या हो, बहुत ज्यादा गंदा हो। डोज ऑफ क्लोरीन इज नॉट आइडेंटिफाई। और यहाँ पे जो क्लोरीन की डोज होती है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, डियर क्लियर है। उसके बाद एक आता है सर सुपर क्लोरीनेशन। देखिएगा पहले हमने क्या किया, प्लेन क्लोरी किया, प्लेन के बाद प्री किया, प्री के बाद हमने कौन सा किया सर पोस्ट किया, पोस्ट के बाद कौन सा किया सर आपने डबल क्लोरीनेशन की, डबल क्लोरीनेशन के बाद आता है सुपर क्लोरीनेशन। सुपर क्लोरीनेशन में क्या होता है, व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज एडेड देन दिस प्रोसेस इज नोन एज सुपर क्लोरीनेशन। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आपका सुपर क्लोरीनेशन बोला जाता है। उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है सर, सुपर क्लोरीनेशन नाम दिया जाता है। इट आल्सो यूज एंड ऑफ फिल्टर। और इसका यूज भी कहां करते हैं हम सर, एंड ऑफ फिल्टर में करते हैं, क्लियर है। अडॉप्टेड ड्यूरिंग द ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन और मोर वाटर पोल्यूटेड। और इसका यूज कब करेंगे हम, इसका यूज हम तभी करेंगे जब सर आपका वाटर क्या हो, बहुत ज्यादा गंदा हो, और जब आपका वहां पे क्या हो रहा हो सर, आपके क्लोरीन का ब्रेक हो रहा हो, जिसको हम जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन बोलते हैं, क्लियर है। नोट टू रिमूवल ऑफ। अब देखिएगा सर, जो एक तो था आपके पास एक्सेस लाइट और एक आ रहा सर एक्सेस क्लोरीन। तो जब हम इस एक्सेस क्लोरीन, क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है, नहीं। तो हमें क्या करना होगा कि जो सर ये एक्सेस अमाउंट का जो क्लोरीन आ रहा होगा, इस प्रोसेस को भी क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो देखिएगा तो उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे हम सर, डी क्लोरीनेशन। तो पढ़िएगा, द रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन द वाटर इज नोन एज डी क्लोरीनेशन। तो उसको क्या बोला जाता है सर, डी क्लोरीनेशन। एक तो था सर सुपर क्लोरीनेशन। तो सुपर क्लोरीनेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है सर, आपके पास मोर अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज एडेड, एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन को एड किया जाता है, तो उसको हम सुपर क्लोरीनेशन बोलते हैं। और जब इस एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन को रिमूव किया जाएगा तो उसको हम सर डी क्लोरीनेशन बोलेंगे, क्लियर है। उसके बाद आता है सर आपके पास नेक्स्ट, तो सर काम क्या है, कैसे करेंगे, ये तो सर हमने बता दिया सर डीक्लोरीनेशन से कर देंगे। तो डीक्लोरीनेशन क्या है सर, डीक्लोरीनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ केमिकल ऐड करते हैं, उन केमिकल से क्या हो जाता है सर, ये आपका एक्सेस क्लोरीन रिमूव हो जाता है। तो सर वो कौन कौन से है, तो उसमें आपके पास जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, आपके पास सोडियम थाइसल्फेट हो गया, बाइसल्फेट हो गया, एक्टिवेटेड कार्बन हो गया, आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, और आपके पास अमोनिया हो गया। इनके डालने से क्या होगा, वहां पे उसका आपके एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन का रिमूवल हो जाएगा, क्लियर है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं आप इसको एक हाईलाइट चार्ट में बताता हूं आपको, ताकि आपको कंसेप्ट आपका और ज्यादा स्ट्रांग बन जाए। देखो भाई
हमने क्या किया था सर, यहाँ पे मैं दोबारा से बता रहा हूँ, एक बताया था मैंने डिसइंफेक्टेंट, एक बताया था सर मैंने आपको डिसइंफेक्टेंट बताया था, दूसरा क्या बताया था क्लोरीन, ठीक है, और तीसरा ये तो चलो हो गया है, इसको रहने दो, इसको मारो गोली अब आप। एक बताया मैंने सर प्लेन क्लोरीनेशन, एक बताया सर प्लेन क्लोरीनेशन, एक बताया सर मैंने आपको प्री क्लोरीनेशन, एक मैंने आपको बताया पोस्ट क्लोरीनेशन, और एक बताया मैंने आपका डबल क्लोरीनेशन। और एक बताया मैंने सुपर क्लोरीनेशन। ठीक है, कुछ इसी तरह से हमने डिस्कस किया भाई। देखिएगा यहां पे जो आपका Cl2 जो ऐड किया जाता है, एडिड कहां किया जाता है, क्लीन वाटर में ऐड किया जाता है, डायरेक्टली क्लीन वाटर में ऐड किया जाता है, जो पहले से ही कैसा हो सर आपका क्लीन हो, जो पहले से ही क्लीन हो और जिसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड ना हो, एंड नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटेड, कोई वहां पे ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड ना हो। प्री क्लोरीनेशन क्या है, यहां पे जो आपका क्लोरीन ऐड किया जाता है, ऐड किया जाता है वो बिफोर, वो बिफोर आपका पीएसटी ऐड किया जाता है और आपका सर एसएसटी ऐड किया जाता है, कुछ इसी तरह से है आपका पोस्ट क्लोरीनेशन। पोस्ट क्लोरीनेशन की जो सर आपका क्लोरीन जो ऐड किया जाता है, क्लोरीन जो एडिड किया जाता है वो आफ्टर, आफ्टर दी फिल्टर किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है डबल क्लोरीनेशन। डबल क्लोरीनेशन क्या है आपका सर, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है किसका सर आपका, सर ये कॉम्बिनेशन है आपका प्री एंड पोस्ट का, प्री और पोस्ट का, ये ऐड किया जाता है सर एडिड, कि जो यहां पे क्लोरीन ऐड की जाती है Cl2 जो एडिड की जाती है वो आफ्टर कब की जाती है, फिल्टर की जाती है। और हालांकि जेई लेवल में यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुपर क्लोरीनेशन क्या होता है सर, एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन, ठीक है, तो उसको बोला जाता है। उसके बाद आता है डीक्लोरीनेशन, क्या आता है सर डीक्लोरीनेशन, और डीक्लोरीनेशन में क्या होता है सर, टू रिमूव, टू रिमूवल ऑफ एक्सेस लाइम, सॉरी एक्सेस क्लोरीन, ठीक है। तो देखिएगा पूरा निचोड़ है जो हमने पढ़ा है डियर, क्लियर है, तो यही मेरा समझाने का तरीका था कि ताकि आप समझो। अब आता है यहाँ पे सर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लोरीनेशन का, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन या जिसको हम फ्री रेजिडुअल क्लोरीनेशन भी बोलते हैं। तो उसके लिए टेबल्स बनता, ग्राफ बनता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का, एक रेजिडुअल क्लोरीन वर्सेस अप्लाइड क्लोरीन। अब जो यहाँ पे जब भी हम ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन की बात करते हैं तो ये आपके पास टोटल कितने जोन में कन्वर्ट हो जाता है सर, चार जोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें अगर मैं बात करता हूं जोन वन की, तो जोन वन क्या है भाई आपके पास, यहां पे क्या होता है जोन वन में डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और यहाँ पे साथ में जितने भी कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स होते हैं उनका भी डिस्ट्रक्शन होता है, जिसमें आपका आयरन हो सकता है और आपके पास सर मैंगनीज हो सकता है, क्लियर है। ठीक है सर, तो ये आपको क्लियर हुआ कि जोन वन में क्या होता है सर, स्टार्टिंग में देखिएगा जब ये आपका कोई भी हमारा रो वाटर का सैंपल है और उसमें हमने क्या किया होता है क्लोरीन ऐड किया होता है, तो वहां पे सबसे पहले जोन में क्या होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, साथ में जितने भी कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स होते हैं उनका भी यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। बट जो यहाँ पे स्लोप जो रहता है आपके पास थीटा, वो आपके पास कितना रहता है सर 45 डिग्री रहता है, ठीक है,
इनिशियल स्टेज में। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जब हम जोन वन की बात करते हैं तो जोन वन जिसका नाम क्या पड़ा आपके पास, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है सर, यहाँ पे रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और आपका ऑक्सीडेशन ऑफ मिनरल्स होता है। मिनरल्स का ऑक्सीडेशन होना और आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिमूवल होना, ये कहाँ होता है आपका, जोन फर्स्ट में होता है। और साथ में आपका आयरन और कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड जैसे आपका Fe2 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव, इनका भी क्या होता है सर, डीकंपोजिशन होता है। तो जोन फर्स्ट में आपने देखा है कि यही चीजें हमने लिखी है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा सर हमने इसका, कि जो स्लोप रहता है वो आपका क्या रहता है, मोर देन 45 डिग्री रहता है। फर्स्ट जोन की हम बात कर रहे हैं, ये आपका फर्स्ट जोन, तो 45 डिग्री। जैसे जैसे टाइम के साथ साथ आपका क्या होता है, क्लोरीन का अमाउंट कुछ इस तरह से जाता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। बट एक स्टेज ऐसे आती है कि ये क्या होता है, क्लोरीन रेजिडुअल क्लोरीन अप्लाइड क्लोरीन आपका क्या हो जाता है, मतलब रेजिडुअल क्लोरीन का अमाउंट क्या हो जाता है, घट जाता है। देखिएगा जैसे ही मैंने क्या किया कि मेरे पास ये कफ है, मैंने जैसे ही क्लोरीन ऐड किया, क्लोरीन को ऐड करते ही क्या हुआ होगा, सबसे पहले डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि सर वहां पर इजिली रिमूव हुए होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और साथ में मिनरल का ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ये कब हुआ होगा, जब जहां पे उनका एंगल कितना रहा होगा सर, 45 डिग्री से ज्यादा रहा होगा। अभी उसमें क्या है, जस्ट हमने क्लोरीन डाला ही था। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या होता है, टाइम के साथ साथ वहां पे जोन टू में एंटर करते हैं। अब जैसे ही हम जोन टू में एंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपके साथ, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामीन्स क्या होता है सर, फॉर्मेशन होता है आपका इस जोन में, क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामीन। अब सर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामीन्स में क्या बनते थे आपके पास सर, जैसे आपके पास बना था डाई क्लोरामीन्स बना था, NH2Cl बना था, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या बना था, सॉरी मोनोक्लोरामीन्स बना था, फिर आपके पास डाई क्लोरामीन्स बना था, और लास्ट में आपके पास क्या बना था, NCl3 मतलब ट्राइक्लोरामीन्स बना था। ये कब बना था, जब आपका पीएच क्या था, 5 और 7.5 के बीच में था। आपका डाइक्लोरामीन्स कब बना था, जब आपका, ये मैंने सब आपको प्रीवियस में बताए थे इसीलिए, ताकि आपको काफी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। कहां गया देख लेते हैं, ये देखो यहां पे मोनोक्लोरामीन्स कब बना था, जब पीएच 7.5 से कम था, और आपके पास डाइक्लोरामीन्स 5 और 7.5 के बीच में, और 5 से 5.5 होगा कम होगा तो ट्राइक्लोरामीन्स, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि सर ये कैसे आपका ये ग्राफ बन रहा है। पहली स्टेज में क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब रिमूव हो गया वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके, और जितने भी कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स थे आपके आयरन और मैग्नीज उनका भी हो गया सर, और साथ में जो यहाँ पे एंगल्स था वो आपका 45 डिग्री से ज्यादा था। सेकेंड जोन में आते आते क्या था, अब क्लोरीन का अमाउंट जितना फर्स्ट जोन में था उतना सेकेंड जोन में नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा सर, आपका क्लोरामीन्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। जब क्लोरामीन्स का फॉर्मेशन हुआ होगा तो यहाँ पे सर क्लोरामीन्स बने होंगे, जिसमें डाइक्लोरामीन्स, ट्राइक्लोरामीन्स और आपके पास मोनोक्लोरामीन्स का फॉर्मेशन हुआ। एक स्टेज ऐसे आया होगा कि जब सर उनका क्या होना शुरू हो गया होगा, डीकम्पोजिशन होना शुरू हो गया होगा। तो जोन टू के बारे में देखते हैं पहले कि जोन टू क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ सर, इसका नाम क्या दिया सर इसने, इसको बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामीन्स। इसमें क्या होता है, क्लोरीन का कंबाइन फॉर्म आती है, जिसमें आपका डाइक्लोरामीन्स आता है सर। एक तो मोनोक्लोरामीन्स फॉर्म होता है NHCl2, और एक आपके पास डाइक्लोरामीन्स NHCl2, और एक ट्राइक्लोरामीन्स NCl3, और अदर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। द अमाउंट ऑफ रेजिडुअल क्या होता है यहाँ पे सर, बढ़ जाता है एज कंपेयर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आता है स्लोप क्या रहता है यहाँ पे सर, शुड नॉट बी 45 डिग्री। और यहाँ पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका एंगल रहेगा डियर, वो 45 डिग्री तो हो नहीं सकता, ठीक है। सेकंड स्टेज में 45 तो नहीं होगा, तो सेकंड स्टेज आते हैं। अब थर्ड पॉइंट में, जैसे हम थर्ड जोन में एंटर करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका रेजिडुअल क्लोरीन जो आपका यहाँ पे बड़ा था, यहाँ पे दिख रहा होगा जोन टू में ये रेजिडुअल क्लोरीन का अमाउंट क्या है आपका, बड़ा है। बट जोन थ्री में आते आते ये रेजिडुअल क्लोरीन का अमाउंट क्या हो जाता है आपका, गिर जाता है, ठीक है। और आपके पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा आता है, सपोज करो मेरे पास ये पॉइंट है, अब मैं पॉइंट देता हूं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और ई, और ई पॉइंट एक ऐसा आता है जहां पर आपको थोड़ी सी आपको स्मेल मिलना शुरू हो जाती है। अब जब आपको स्मेल मिलना शुरू हो जाती है तो यहां से आपको ये इंडिकेशन लगना शुरू हो जाता है कि ऑर्गेनिक मैटर का क्या होने लग गया सर, डीकम्पोजिशन होने लग गया है,
क्या पे आ जाते हैं आप, थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरामीन्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरामीन्स मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर का कॉम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरामीन्स जो थर्ड स्टेज है, तो उसको लिख दीजिएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरामीन्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरामीन। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरामीन्स का मतलब क्या है कि आपके ऑर्गेनिक मैटर्स का डीकम्पोजिशन शुरू हो गया है। ये पता कैसे लगेगा, ये पता आपको लगेगा कि जब आपके वाटर में से स्मेल आना शुरू हो जाएगा, तो आपको ये पता लग जाएगा कि अब वहां पे ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया है, डियर, क्लियर है। और जो वहां पे रेजिड्यूअल क्लोरीन था, वो पहले तो बड़ा था, सेकेंड जोन में तो इंक्रीज हुआ था, बट जोन थर्ड में आते हुए क्या हो गया होगा सर, डिक्रीज हो गया होगा। तो वही देखो हमने थर्ड जोन में क्या लिखा है, थर्ड जोन में लिख रखा है, उसका नाम क्या है सर, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरामीन्स है। बिल्कुल सर, यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। पता कैसे लगेगा, वहां पे आपको थोड़ी सी हल्की सी स्मेल लगना शुरू हो जाएगा, क्लियर है। इन द क्लोरीन डिमांड इंक्रीज, और इस स्टेज में क्या हो जाता है, क्लोरीन की डिमांड तो इंक्रीज हो जाती है, बट रेजिड्यूअल क्लोरीन की डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देख भी रहे होंगे आप कि देखिएगा जो आपका रेजिड्यूअल क्लोरीन है वो तो क्या हो गया आपके पास यहाँ पर, गिर गया है, डिक्रीज हो गया है, बट जो अप्लाइड क्लोरीन है वो आपका बढ़ता जा रहा है, इस स्टेज में बढ़ता जा रहा है, और रेजिड्यूअल क्लोरीन इस स्टेज में क्या होता जा रहा है, आपका डिक्रीज होता जा रहा है। लास्ट में आता है आपका जोन फोर, और जो जोन फोर कैसा होता है, वो आपका फ्री क्लोरीन एज वेल एज कंबाइंड क्लोरीन का होता है। ये आता है आपका एज फ्री क्लोरीन एंड कंबाइंड क्लोरीन, ठीक है, जोन फोर आता है। अब जब क्या बोल रहे हो भाई, क्या कह रहे हो आप, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लेलिस्ट बना रहे हैं, कैसी प्लेलिस्ट भाई बताइएगा, ठीक है। तो जब हम जोन फोर की बात करते हैं, तो जोन फोर में देखिएगा क्या होगा, फ्री क्लोरीन एंड रेजिड्यूअल क्लोरीन, ठीक है। तो आप ये भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है, कौन सा सर आपके पास, कंबाइंड क्लोरीन, तो आप रेजिड्यूअल क्लोरीन ही लिख दो, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा, एंड रेजिड्यूअल क्लोरीन। क्वेश्चन भी लगाओ, ऐसा नहीं है, अगर आप चार घंटे दो से दो चार घंटे लेक्चर्स के लिए लगा रहे हो, तो आठ घंटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए दो, क्यों नहीं मजा आएगा, ठीक है। पढ़ तो लो पहले, पढ़ने से क्या होगा यार, तुम्हारा ही फायदा होगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन रटोगे ना तो सिर्फ दो महीने याद रहेंगे, बेटर है कि पहले अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी तो मजा भी आएगा, और मजा आना चाहिए ताकि एक एग्जाम नहीं देखो, अपने आप को वर्सटाइल बनो, ऐसे इंसान बनो कि कोई भी एग्जाम आ जाए सब फाड़ देंगे, तार फाड़ होना चाहिए एग्जाम, ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसमें क्या होता है आपका, देखिएगा फ्री क्लोरीन और रेजिड्यूअल क्लोरीन ही आपका कौन सा जोन आता है सर, आपका फोर्थ जोन आता है। यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे डी पॉइंट, जहां पे हम क्लोरीन को ऐड करना पड़ता है, देखिएगा कैसे, देखो अब यहाँ पे क्या किया, ये आपका आ गया यहाँ पे, ये इस पॉइंट जहां पर आपका क्लोरीन बचा ही नहीं, देखिएगा अप्लाइड क्लोरीन तो आपका है, बट इस पॉइंट पे कोई भी रेजिड्यूअल क्लोरीन नहीं रहा। अब जब सर कोई भी रेजिड्यूअल क्लोरीन नहीं रहा, तो यहाँ पे हमें क्लोरीन ऐड करना पड़ेगा, और इसी पॉइंट को नाम देते हैं हम सर आपका ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, मैं अभी भी बताऊंगा आपको, तभी आपका इस तरह से जाता है, ठीक है, ये, ठीक है, ये होगा आपके पास, और ये जो अमाउंट रहेगा आपका यही रहेगा किसके फॉर्म में आपका सर, रेजिड्यूअल की फॉर्म में, रेजिड्यूअल क्लोरीन की फॉर्म में। मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से बताता हूँ, शॉर्टकट भी आएगा और आपको समझ भी आएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं सर, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशंस की बात कर रहे हैं। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशंस का जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो किस किसके बीच में आता है सर, रेजिड्यूअल क्लोरीन वर्सेस अप्लाइड क्लोरीन के बीच में आता है। पहले जैसे ही हमने क्लोरीन को ऐड किया होता है, तो वहां पे डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि आपके जितने भी ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनका रिमूवल हो जाएगा, और साथ में जितने भी कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स होंगे आयरन और मैग्नीज उनका भी डिकम्पोजिशन हो जाएगा, बट जो वहां पे उसका स्लोप है, एंगल है, वो मेंटेन रहेगा, कितना सर, 45 डिग्री। बट जैसे ही सर हम सेकंड स्टेज में आते हैं, तो सेकंड स्टेज में हमें क्या मिल रहा है, आपका अप्लाइड क्लोरीन तो बढ़ रहा होता है, बट जो रेजिड्यूअल क्लोरीन भी क्या हो रहा होता है, स्टेज में बढ़ रहे होते हैं, यानी कि सेकेंड जोन में जहां पे आपका फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामीन्स बन रहे हैं,
तो उस स्टेज में सर रेजिडुअल क्लोरीन भी आपका अमाउंट बढ़ रहा होता है और क्लोरीन का अमाउंट भी बढ़ रहा होता है, क्लियर है। तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास क्लोरामीन्स फॉर्म होते हैं, जिसमें से कुछ कैसे होते हैं सर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे डाइक्लोरामीन्स और मोनाक्लोरामीन्स। कैसे है सर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। जो पावर नेग्लिजिबल है वो आपका NaCl थे। एक पॉइंट ऐसा आता है ई पॉइंट, जहां पर आपको थोड़ा सा स्मेल मिलना शुरू हो जाती है और उस पॉइंट पे आप क्या करते हैं, उस पॉइंट पे आपको लगना शुरू हो जाता है कि जो अब हमारा रेजिडुअल क्लोरीन का अमाउंट बढ़ा हुआ था वो आपको क्या करना हो जाता है सर, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो कहां पे हम इस पॉइंट से लेकर आपके ई पॉइंट एफ पॉइंट तक आपका क्या हो जाता है सर, रेजिडुअल क्लोरीन का अमाउंट क्या हो जाता है सर, डिक्रीज हो जाता है और साथ में वहां पे कोई क्लोरीन रहता भी नहीं रेजिडुअल की फॉर्म में भी नहीं। तो वहां पे जिस पे जहां पे हमें क्लोरीन को ऐड करना पड़ता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे सर हमें क्लोरीन को ऐड करना पड़ता है, उस पॉइंट को नाम दिया गया हमने सर ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, ठीक है। तो ये था जो आपको यहाँ पे पढ़ना था और यहाँ पे मैंने आपको ये सारे के सारे स्टेप्स भी बताए ताकि आपको वन बाई वन ये क्लियर हो डियर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट की टेस्टिंग ऑफ क्लोरो क्लोरीन रेजिड्यूल की। जो आपका क्लोरीन रेजिड्यूल जो भी रहा होगा, आपने क्लोरीन डाला, क्या उसने फ्यूचर कंटामिनेशन के हिसाब से आपका क्लोरीन रेजिड्यूल लेफ्ट भी हुआ 0.1 मिलीग्राम से 0.2 मिलीग्राम पर लीटर या नहीं हुआ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करते हैं। कौन से टेस्ट होते हैं, पहला रहता है ऑर्थो टोल्यूडाइन टेस्ट। अब ऑर्थो टोल्यूडाइन टेस्ट में क्या करते हैं, हम एक केमिकल ऐड करते हैं जिस केमिकल का फॉर्मूला है आपके पास C6H16N2। इसको ऐड करने से क्या होता है आपके पास, जैसे ही हमने इसको ऐड कर दिया तो यहाँ पे हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं सर, CMT टेक्निक यूज करते हैं। CMT बोले तो कलर मैचिंग टेक्निक। जहां पे भी आपको कोई क्या बोल दिया जाए कि केमिकल ऐड किया, जब केमिकल ऐड किया तो वहां पे हम उसकी क्या करते हैं सर, कलर मैचिंग टेक्निक करते हैं। अब कलर मैचिंग टेक्निक से क्या होता है आपके सर, डिफरेंट कलर इम्पार्ट होते हैं। अब जब डिफरेंट कलर इम्पार्ट होते हैं तो उन्हीं कलर को हम किससे मैच करते हैं, अपने स्टैंडर्ड कलर से मैच करते हैं, बस यही याद रखना। सेकेंड आता है सर डीपीडी टेस्ट। अब डीपीडी टेस्ट में क्या है कि इसमें सबसे पहले है कि सर इस टेस्ट में हम कौन सा केमिकल ऐड करते हैं, तो इसमें जो केमिकल ऐड करते हैं वो आपका डिथाइल फेनाइल डायामीन ऐड करते हैं, ठीक है। और इसी केमिकल्स को भी हम क्या करते हैं, इसका भी हम कलर मैचिंग टेक्निक करते हैं। उसके बाद आता है सर क्लोरोटेक्स टेस्ट। क्लोरोटेक्स टेस्ट में भी क्या करते हैं सर, हम कलर मैचिंग टेक्निक करते हैं। उसके बाद आता है सर स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। स्टार्च आयोडाइड टेस्ट क्या करता है, ये परफॉर्म करता है हैलोजन ग्रुप कि जितने भी आपके हैलोजन ग्रुप्स है कंपाउंड से, जैसे आयोडीन ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन, उनको सब कौन चेक करता है सर, वो आपका स्टार्च आयोडाइड टेस्ट से कर सकते हैं, ठीक है। बट जो आपका ऑर्थो टोल्यूडाइन टेस्ट है इसका मॉडिफिकेशंस भी निकला है। इसका मॉडिफिकेशंस कौन सा रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट किसका मॉडिफिकेशन है, आपका ऑर्थो टोल्यूडाइन टेस्ट का मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या करते हैं कि ये केमिकल तो आपने पहले ही ऐड किया था सर C6H16N2, बट इसमें हम एक्स्ट्रा क्या ऐड कर देते हैं सर, आर्सेनिक ऐड कर देते हैं, क्लियर है। ये चीज आपने बस याद रखनी है, ठीक है। बाकी तो सारा आपका कंप्लीट हो गया है, जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड था डियर वो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, ठीक है। तो बताइएगा आपका डिसइंफेक्शंस का चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। मॉर्निंग में जो आपका सेशंस रहेगा, मॉर्निंग में हम क्या करेंगे, मॉर्निंग के सेशंस में आपके दो चैप्टर फिनिश होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन और मिसलेनियस ट्रीटमेंट, ठीक है। और फिर इवनिंग में क्या होगा, इवनिंग में आपका वेस्ट वाटर, कल इवनिंग में आपका वेस्ट वाटर स्टार्ट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब तुमको इसकी स्लाइड तो देनी ही पड़ेगी, 15वां लेक्चर है भाई, 15th लेक्चर है तो भी दे देंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं, तब तक आप पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। सामने वाला क्या कर रहा है आप उस पर मत जाइएगा, आप अपनी मेहनत कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम आपको मॉर्निंग सेशन में।